أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا سب؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. चलिए إن شاء الله शुरू करते हैं आज का हमारा जो टारगेट है. अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आसन अंदाज से पूरा हो जाए. अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा रहा था कल का दिन? कोई बात आपको याद रही कल के हवाले से, जो आपने देखा था कि जब जाहिल आपके साथ मुखातिब हो तो आपको क्या कहना है? कालू सलामा, है ना? फिर हमने उसको प्रैक्टिकली भी देखा था कि किस अंदाज से हम लोगों के जो मुख्तलिफ रवैये हैं उस पे हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए. तो कोई एक बात जो जहन में रही आपस में, तो कल भी इंटरेक्शन तो वो होगा बच्चों के साथ घर में. आप सुबह ही आपका इम्तिहान शुरू हो गया होगा पहली रमजान से. जी सचिन भाई. अच्छा माशा. जी, तो बड़ी अच्छी जी लगी कि जो हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम गुस्से पे भी काबू डालना इतना मुश्किल जी काम है. इंसान बिल्कुल. अपने आप को जितना मैंने गुस्से की बात काटे थे कि इतना पेशेंट था उसमें कि हमने जरा भी गुस्सा नहीं इमाम किया अबू हनीफा का किसी बात सुभान पर, अल्लाह. क्योंकि वो अल्लाह को राजी करने के लिए सुभान खास बंदे अल्लाह के हैं. तो फिर अल्लाह. अपने आप को अल्लाह के साथ ही मतलब उनको पता है कि इसके बाद कोई फायदा नहीं है. दुनिया जो है वो बस बहुत थोड़े दिन की है, 20 बाती है. आज अगर बहुत एक्सेल भी नहीं भी कर रहे दुनिया में, लेकिन अगर आज अल्लाह की खातिर अपनी जबान को रोक लिया तो कल वो क्या बन जाएगा? जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाएगा. क्योंकि ये जो क्वालिटीज हैं, ये द वे ऑफ द वी दिस इज द वे ऑफ टू गो टू जन्नत. ये आपका रास्ता है जन्नत में ले जाने के लिए. जी सिस्टर आशी हनीफ रहीमाउल्ला. तो वो देखने की. उसको बता देने. हाँ सही कह रही हो. और वो भी सवाल भी कितना अजीब सा था. मतलब कोई सो मतलब वैसे जी रिच. हाँ जी, कि देखने के लिए. जी हाँ जी बिल्कुल. जी सही कह रही हूँ. जी निशा मुनीरा जी. जी आप सही कह रहे हैं. थर्सडे में और मंडे में. हम सब अपने आप को बिल्कुल, मैं यहाँ बैठी जरूर हूँ, अल्लाह को पता है. फला तो जकू अन को सकू अल्लाह जकी मैं यशा. कोई नहीं कर सकता. बहुत आई ओपनिंग था ना. और वही था, प्रैक्टिकली देखे कि सिचुएशंस मुसलसल आएंगे, आपने रिएक्ट कैसे करना है.
आपने कैसे, अगर सपोज कीजिए कभी इस तरह से ओवर रिएक्ट हो भी गए, तो अल्लाह का शुक्र है रिपेंट का रास्ता खुला हुआ है ना, तो अल्लाह के जी करते जी हैं एहसान, अवेयरनेस, एहसास होता है जी। हाँ ये भी, ये अल्लाह की रहमत है कि किसी को अपनी गलती नजर आ जाए और वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले जी। हाँ जी, इसलिए कि कुल्लू आदम, आदम की सारी औलाद खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो रिपेंट करने वाले अल्लाह की तरफ रुजू। हम में से ऐसा कभी नहीं होगा आप गुनाह ना करें। असल बात है, अब आप प्लानिंग कल से बैठी हैं कि आप प्लानिंग करनी, और वो सुबह ही आपकी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आपको लगेगा सुभान अल्लाह, बस इम्तिहान हो गया। अब वही बात है, कुछ लोग अपने नफ्स को कुचल देते हैं अल्लाह के रास्ते में, मुराद है के अपने नफ्स को एकदम पीछे डाल देते हैं, लेकिन कुछ है कि जाहिर पता है अल्लाह ने मुख्तलिफ जो जमीन के मिट्टी से आदम अलैहि सलाम की जो नस्ल है वो मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ तरह से है। तो अब हर एक का मिजाज, हर एक की जबान, हर एक का स्टाइल, हर एक की एहसास, हर एक की फीलिंग डिफरेंट है। एनी हाउ इंशाल्लाह टाइम इसमें हो जाएगा। चलिए जजाक अल्लाह खैर कसीर आपके फीडबैक के लिए, इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं। हम अपने सबर को देख रहे थे जो कि शाहरु सबर है, और इसमें आज इंशाल्लाह हम देखेंगे ज्यादा और मामूली मुशक्कत पर सबर की मिसालें। बाज लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुशक्कत पर सब्र करते हैं, और बाज जो है वो मामूली मुशक्कत पर सब्र करते हैं। पहले की मिसाल देखिए, यानी कोई शख्स है किसी भी ताकतवर से अगर रेसलिंग करता है, कुश्ती करता है ना, और मुकाबला करके मुश्किल से जीतता है, जबकि दूसरी मिसाल क्या है, जो किसी कमजोर से उसका कॉम्पिटिशन है, रेसलिंग है, और बगैर मुशक्कत के जीत जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं मुशक्कत के साथ जिसे कहा जाए किसी का मुकाबला करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिसके साथ उसका कंपटीशन है, मुकाबला है, वो इतना ताकतवर है ही नहीं कि उसके साथ मुकाबला किया जा सके, तो वो यूं ही जीत जाता है। अब इसकी मिसाल वो मुझे और आपको बता रहे हैं। इसी तरह रहमान और शैतान के लश्करों के दरमियान जंग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो शैतान और उसके हवारियों को चित कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु फरमाती है, एक इंसान ने एक जिन से कुश्ती की, रेसलिंग की। इंसान ने जिन को पिछाड़ दिया, उस जिन ने कहा मैं तो तुझे कमजोर समझ रहा था, तो उसने कहा मैं इंसानों में से ताकतवर शख्स हूँ। लोगों ने कहा क्या वो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु थे, तो इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसके अलावा और कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह। बाद सहाबा रदी अल्लाह अन्हम कहा करते थे मोमिन बंदा शैतान को इस तरह कमजोर करता है जिस तरह तुम ऊंट को सफर में कमजोर करते हो, ऊंट चलते चलते वीक हो जाता है, इसी तरह जो मोमिन बंदा होता है वो शैतान को इस तरह से कमजोर कर देता है कि शैतान का उस मोमिन बंदे पर बस नहीं चलता, जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हु पर शैतान का बस नहीं चलता था, ऐसे पिछाड़ के रख दिया शैतान, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शैतान को। इब्ने अबी दुनिया ने सलफ में से किसी का कौल नकल किया है, एक शैतान दूसरे शैतान से मिला और पूछा अरे तू तो बहुत कमजोर और लागर दिखाई दे रहा है। उसने कहा मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ कि जब वो खाता है बिस्मिल्लाह पढ़ता है, हम सब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मैं इसके साथ नहीं खा पाता, अगर वो पीता है तो अल्लाह का नाम लेकर पीता है, मैं इसके साथ नहीं पी सकता, अगर घर में दाखिल होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है और मुझे बाहर ही रात गुजारनी पड़ती है। दूसरे ने कहा मेरे तो बड़े मजे हैं, मैं ऐसे शख्स के साथ रह रहा हूँ जो खाते और पीते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, और मैं उसके साथ खाता पीता, और जब वो अपनी बीवी के पास जाता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता और मैं भी चला जाता हूँ। याद रखिए जो खुद को सबर का आदी बनाएगा ना, तो उसका दुश्मन क्या होगा, उससे डरेगा, यानी जो अपने आप को ईमान में स्ट्रॉन्ग करेगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक्ट करेगा, जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, है ना, घर से निकलते वक्त की दुआ, जब आप इन चीजों पे एक्ट करेंगे तो शैतान हमारी
खून में दौड़ रहा है, वो खुद से वीक हो जाएगा, क्योंकि आपको इनफ एनर्जी, इनफ जिसे कहा जाए अल्लाह की तरफ से विटामिन मिनरल्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन अस्कार के जरिए से, इन सुन्नतों पर अमल करने से मिल जाएगी। तो जब मिल जाएगी तो शैतान तो वीक हो जाएगा, कहेगा तो मेरे मेरे लिए तो यहाँ या रात गुजारना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि एंट्री नहीं है, बिस्मिल्लाह करके आपने दरवाजा बंद किया तो कैसे शैतान एंटर होगा, हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खाना खाया, आपका शैतान भी के वो आपके खाने में एंटर ही नहीं हो रहा। सेम इसी तरह आप पी रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो रहे हैं, तो सुभान अल्लाह कैसे आप, मैं और आप अपने शैतान को कमजोर कर सकते हैं। तो आबाज लोगों को जिसे कहा जाए उनका ईमान स्ट्रांग होता है ना, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ जो शैतान है उसको वीक कर देते हैं। अब आगे से देखें क्या बताया जा रहा है, कि कुछ है मजीद जो है क्लासिफिकेशन बताई जा रही है सबर की, उसके मुतालिक के एतबार से, उसकी एसोसिएशन के एतबार से जिसका उसके साथ ताल्लुक है। तीन तरह की अल्हम्दुलिल्लाह सबर की कैटेगरी है इसमें। पहली कैटेगरी क्या है, अहकामात और अदात पर सबर करना हत्ता के उन्हें अदा करें। मुराद क्या है, अल्लाह के जो अहकामात हैं और अल्लाह की जो अदात के काम है उसको उसको अदा करना, यहाँ तक कि यानी उस पर इतना सबर करना, अपने आप को इतना रोके रखना यहाँ तक कि इंसान उनको फुलफिल करे। दूसरा क्या है, ममनुआ चीजों और मुखालफत पर सबर करे हत्ता कि किसी का इर्तिकाब ना करे। अल्लाह अकबर, मुराद क्या है, जो चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है अल्लाह ताला ने जिससे रोका है, आप उस पर इतना सब्र करते हैं कि हत्ता कि आप उस बुराई से बच जाते हैं, हत्ता कि आप उस बुराई का इर्तिकाब नहीं करते। और तीसरा क्या है, अल्लाह के फैसले और तकदीर पर राजी होना, उस पर सब्र करना हत्ता कि उस पर नाराजगी का इजहार ना करे। यानी तकदीर के बहुत सारे फैसले आपको पसंद नहीं आते, आपको अच्छे नहीं लगते, आपको नहीं अच्छा लगता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप इतना सब्र करते हैं कि अल्लाह से उसकी नाराजगी का इजहार नहीं करते, नहीं कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो ये दरअसल है तीसरी कैटेगरी। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदे के लिए देखे कि दो तरह के अहकाम हैं, दो तरह के अहकाम हैं, एक है दीनी शरई और दूसरी है कौनी कदरी। ठीक है, दीनी शरई आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनका ताल्लुक आपकी किताब जो आपके सामने है कुरान मजीद, जो कुरान के अंदर जो अहकाम हैं, जो शरीयत ने आपको डूज एंड डोंट्स दिए हैं उससे मुतल्लिक है। और कदरी का क्या है, जो कि कायनात में फैली निशानियां है ना, जो मैं और आप मुसलसल देख रहे हैं, आज भी एक निशानी नजर आ रही है, किसने नोट किया, बारिश है ना, वो मिन आयाती अल्लाह की निशानियों में से है। तो और आपको ये भी पता है कि जब आप बारिश होती है तो दुआ कबूल होती है ना, चलिए सब मिलके मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। तो आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की जो कायनात में फैली निशानियां हैं तो वो भी क्या है, वो भी दरअसल अल्लाह ताला की तखलीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि दीनी शरई मकसूद के एतबार से ये दो किस्म की है, यानी जो शरई अहकामात है ना वो दो तरह के, एक तो वो है जो कि अल्लाह को महबूब है, यानी जो महबूब अहकामात है अल्लाह को पसंदीदा है, इसका करना आपके लिए वाजिब है। ठीक है, यानी इसको अगर आप करेंगे तो इसका करना या तो वाजिब होगा या पसंदीदा है, और सब्र इसके बगैर मुमकिन नहीं है। यानी जैसे आपको हुक्म होता है नमाज का ना, और ये वाजिब है ना, ठीक है ना, ये वाजिब है। अब जैसे तहज्जुद का भी है, अब अगर तहज्जुद अगर आप नहीं करते तो ये वाजिब नहीं है आप पर, ठीक है, ये क्या पसंदीदा है, समझ रही है बात। अगर आप इंशाल्लाह फर्ज अदा करते हैं तो ये अल्लाह का हुक्म है आपके लिए, वअकीमुस्सलाह नमाज कायम करो, तो ये अल्लाह के कौन सा हुक्म है जो अल्लाह को महबूब है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए जबरदस्ती नहीं की है। तो पहली कैटेगरी क्या बता रहे, वो अहकाम जो अल्लाह को महबूब है और जब इंसान उसको करता है तो ये दरअसल क्या है, यानी इसके बगैर आप सब्र कर ही नहीं सकते जब तक कि आप अल्लाह के अहकाम को जो जो करने के हैं या वाजिब के दर्जे पर है या पसंदीदा दर्जे पर है, जब तक आप सब्र कर ही नहीं सकते। तो सब्र के लिए जरूरी है कि वो अहकाम जो अल्लाह
अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुझे और आपको बताए हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो जकात हो, चाहे वो हज हो, जैसे जैसे कैटेगरी बताई आपस के लेन देन है, तो उसको करना, और फिर या ये तो वाजिब होगा या फिर पसंदीदा होगा। जैसे आप सदका करते हैं ना, अब आप जकात तो फर्ज है अगर आप पे वो सारी कंडीशन, लेकिन अगर आप सदका करते तो ये पसंदीदा है ना, इसका अजर बताया गया हदीस में। दूसरे क्या है, इसके बगैर आप सब्र नहीं कर सकते जब तक आप ये सारे काम नहीं करें। दूसरा जो अल्लाह ताला को नापसंद है, और अब अगर कोई इंसान शराब पीता है, आपको पता है हराम है, कोई सूद लेता है आपको पता है ये हराम है, तो इसका करना बेसिकली या तो हराम होगा या फिर मकरूह होगा। यानी कोई हराम यानी ऐसे काम को करता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अब अगर कोई ऐसे कामों को करता है तो ये या तो हराम की कैटेगरी में जाएगा या फिर नापसंदीदा की कैटेगरी में जाएगा। तो इस पर भी मुझे और आपको सबर करना है। तो ये बता रहे हैं कि इस पर भी मुझे और आपको सबर करना है। अब आगे देखिए कि कौनी कदरी, वो मुश्किलात और मसाइब जो इंसान की तकदीर में लिखी हैं, इन पर सबर करना और इन पर राजी होना जरूरी है। और दीन की बुनियाद इन तीन कायदों पर है। बस ये तीन कायदे अपनी जिंदगी में रखें, अल्लाह के हुक्म की तामील करना, अल्लाह की ममनुआ चीजों को छोड़ना और तकदीर पर सबर करना। ये दीन के तीन एलिमेंट है, तीन बुनियाद है। इसके बगैर आप किसी भी मुश्किलात, किसी भी मसाइब, किसी भी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते जब तक कि आप इन तीनों पर एक्ट ना करें। ठीक है, ये जो आपको बता दिया गया। अब बताया जा रहा है कि जब तक इंसान जो है, जब तक इंसान मुकल्लफ है, यानी उसके उस चीज के बारे में मुकल्लफ है, उसके बारे में उसके उससे पूछा जाएगा, तो इन तीन चीजों पर अमल उसके लिए जरूरी है। मुकल्लफ का मतलब है कुछ चीजें हैं जो मुकल्लफ नहीं, जैसे आपको पता है कि इंसान, जिन और फरिश्ते है ना, ये क्या है, इनसे पूछा जाएगा ना, जैसे मुराद इंसानों से, स्पेशली जिनों से। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुकल्लफ नहीं, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे वगैरह हैं, या ऐसे लोग जो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है ना, तो उनसे अगर वो कुछ, या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा जिसे कहा जाए, जैसे जितनी भी नॉन लिविंग मखलूक है जिनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम मुकल्लफ हैं इन तीन चीजों के काम के, यानी अल्लाह की जो भी हुक्म है उनको तामील करना, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रुकने के लिए कहा उससे रुकना, और तीसरी तकदीर पर राजी होना। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इन तीन चीजों पर अमल इसके लिए जरूरी है कि इंसान सबर करे, और सबर के बगैर ये चीजें मुमकिन हो ही नहीं सकती। जैसे कि जो दाना होता है, जो सीड होता है, अपनी बाली के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह मैं और आप जब तक सबर नहीं करेंगे, मैं और आप इन तीनों चीजों को फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने इन तीनों चीजों के बारे में अपने बेटे को नसीहत की थी, और वो नसीहत क्या थी, या बुनैया अकीम अस्सलाह वामुर बिल बिलमारूफ वनह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ए मेरे छोटे बेटे या ए मेरे बेटे, नमाज कायम कर। और क्या करे, देखिए पहला हुक्म आ गया ना, हुक्म, और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे और उस मुसीबत पर सबर करे जो तुझे पहुंची है। तीनों चीजें आ गई, देखिए अल्लाह का हुक्म भी आ गया, नेकी का हुक्म भी आ गया, और दूसरा जो आपका इसका पहलू था कि बुराई से रुकना ना, यानी जो ममनुआ चीजें उससे रुकना, तो ये कह रहे बुराई से मना कर, और फिर क्या, तकदीर का फैसला आ गया, और उस मुसीबत पर सबर कर जो तुझे पहुंचे। तो कितनी पावरफुल आयत है आपकी, देखिए तीनों चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं कि जो अल्लाह को पसंद है, नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रुकना, ये ममनुआ चीज के अंदर आ जाएगा। पहला क्या था, वो अल्लाह के हुक्म की तामील थी। दूसरा क्या, बुराई से मना करना, ये ममनुआ चीजों से रुकना था। और तीसरा क्या था, उस मुसीबत पर सबर कर जो तुझे पहुंची है, और ये क्या था, तकदीर का फैसला। सुभान अल्लाह, अब देखिए एक आयत के अंदर तीनों चीजें आ गई, हम कभी सोचते भी नहीं है ना, और ना हम इस तरह से गौर व फिक्र करते हैं। तो इंशाल्लाह इस आयत को थोड़ा सा आप गौर व फिक्र कीजिएगा कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने बच्चे को दीन की जो थ्री एलिमेंट है, बुनियाद है, वो कैसे इस आयत के अंदर समझा दिया। अल्लाह सुबहान व तआला मुझे और आपको ऐसे ही गौर व फिक्र दे दे कि मैं और आप अपने बच्चों को बता सकें कि मुझे और आपको करना क्या है, किस तरह से अल्लाह के अहकाम पर एक्ट करना है, कैसे अल्लाह ताला की जो डोंट
हैं जिनको अल्लाह ताला ने रोकने के लिए कहा, जिनसे मना किया उनसे रुकना है, और कैसे अल्लाह ताला जो भी हमारे साथ करते हैं तकदीर के फैसले उस पे राजी रहना है। अल्लाह सुबहाना व ताला मेरे और आपके लिए आसान कर दे। जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फिक। इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं, काम मूव ऑन हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सूरत और अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फुरकान की आयत है इबादुर्रहमान। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सिफात देख ली थी? दो सिफात देख ली थी। पहली सिफात क्या थी, किसी को याद है? कोई भी एक हैंड रेस करके बताए, बस मैंने रिकैप तो करवा दिया था आप लोगों ने। पहली सिफात से ना चार अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वॉक विद ईज, यानी जमीन पर चलते हैं आजदी के साथ, नरमी के साथ, और ये पूरी चाल सिर्फ उनके चलने में नहीं है बल्कि उनके तमाम मामला के अंदर ईज होता है। हर एक्शन में ईज है, हर चीज में सुकून है। इल्ला के दीन की बात आती है तो फिर उनका फफिरु इलल्लाह, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या थी जो सुभान अल्लाह, अल्लाह करे इतनी स्पेशल क्वालिटी है कि जिसकी मुझे और आपको पूरे रमजान में अल्लाह से दुआ करनी है, बस अल्लाह ताला ये चीज आ जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, एक है जबान और दूसरी शर्मगाह। तो ये फिर आपकी जन्नत इंशाल्लाह अल्लाह की, अल्लाह ताला की इज़्ज़त से, अल्लाह की रहमत से पक्की हो जाएगी अगर मैं और आप इंशाल्लाह इस बात का ख्याल करेंगे। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं आज तीसरी क्वालिटी क्या है इबादुर रहमान की। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर, कौन से दिन है आज, कौन सी रातें हैं, क्या आयतें आ गई। हाँ सोचिए, क्याम की रात, आम दिनों में तो शायद घर कोई क्याम ना कर सके। सुभान अल्लाह, वल्लदीना यजीदून लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा, जो अपने रब के हुजूर सजदा और क़याम में रातें गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये आज तीसरी खूबी को देख रहे हैं कि इबादुर रहमान अपनी रातों को कैसे स्पेंड करते हैं, रातों में सजदा करते हैं, क़याम करते हैं। और इससे पहले की अगर आप आयात को देखें तो आप देखिए उनका पहले की आयात में जो चीज मेंशन की जा रही है कि उनका लोगों के साथ क्या मामला था, लोगों के साथ क्या डीलिंग थी। लेकिन अब आप इस आयत में देखेंगे कि उनका रब के साथ क्या ताल्लुक है। अल्लाह हू अकबर, क्यों जब लोगों को आपने दीन की बात बताई अब लोग आपसे झगड़ रहे हैं, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तुमसे झगड़ रहे हैं ना, तो तुम क्या करो, उनको छोड़ दो, सलाम सलाम कालू सलामा कह के हटो। अब तुम क्या करो, तुम अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत कर लो, तुम अपने रब के साथ ताल्लुक को स्पेंड कर लो, तुम अपने रब के साथ ताल्लुक को मजीद अल्लाह के मदद के ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो हसन बसवी रहीमाउल्लाह ने फरमाया, पिछली आयत में इनके दिन का जिक्र है और इस आयत में इनकी रात का जिक्र है, और इस आयत से फिर कयामुल लैल की अहमियत साबित होती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का महीना है, बेहतरीन महीना है ये, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह रमजान की रातों में कयाम लैल करना सिखाता है, सजदा करना सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बरस आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो रमजान की रातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ते हैं ना, कयाम लैल कर लेते हैं अपने तौर पर कर लेते हैं, या मस्जिद में जाके तरावी पढ़ लेते हैं, लेकिन आम दिनों में वो लोग अल्लाह को कयाम लैल में याद नहीं करते। मुराद है कि कयाम लैल नहीं करते, चाहे आप उसको तहज्जुद का नाम दे दें, कयाम लैल का नाम दे दें, तरावी का नाम दे दें, तो जिसे कहा जाए आम दिनों में बाज लोग ऐसा होता है कि वो जिसे कहा जाए कयामुल लैल नहीं करते। तो यहाँ किन की बात हो रही है, जो 364 यानी 20, यानी कहने का मकसद है कितनी 365 डेज होता है ना, पूरे साल कयाम करते हैं। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, यानी बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को जिसे कहा जाए सजदा करते हैं, कयाम करते हैं। यानी कि रमजान का महीना आया तो आप खूब कयाम लैल कर रहे हैं, और बाकी दिनों में आपके लिए अल्लाह के आगे झुकने का टाइम ही ना मिले, कयाम करने का टाइम ही ना मिले। तो रमजान का महीना क्या है, मेरी और आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग का महीना है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको अल्लाह का बंदा बनाने आया है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि खूब खूब इसमें मेहनत करें, ऐसा ना हो कि रमजान में तो मैं और आप अल्लाह को याद करें और उसके बाद मैं और आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को भूल जाए।
और कयाम लैल ना करें। अगर आप गौर से देखें तो इन आयात में रमजान के महीने की तरफ इशारा नहीं किया गया कि वो रमजान में यबीतून अली रब्बिहिम सुज्जदन व कियाम रमजान, रमजान का लफ्ज नहीं आ रहा। आप गौर करें ना इस बात पे तो पता चलेगा कि इसका मतलब ये कि सिर्फ रमजान के लिए स्पेशल नहीं होता कयाम लैल, बल्कि कयाम लैल सारी रात के लिए होता है। क्या आप हर हर दिन कयाम लैल कर सकते हैं? और इबादुल रहमान का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए वक्त होता है, यानी कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी रात हो, वो अल्लाह की खातिर कयाम लैल करते हैं, रातों को अल्लाह की खातिर गुजारते हैं। इनके दिल में अल्लाह का और आखरत का इतना खौफ होता है और जन्नत की इतनी तमन्ना होती है जो उनको रात में सोने नहीं देती। अल्लाहू अकबर। कितने लोग हैं जो कयाम लैल करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं? आप लोग करते हैं? कौन है जो नहीं करता? तो आप सोचिए कि ये वो लोग नहीं है जो रमजान के इबादी है, यानी रमजान के इबादुल रहमान वो नहीं होते? तो यहाँ बता दिया गया कि इतना खौफ होता है इनके अंदर अल्लाह का और आखरत का कि आप देखिए कि इनकी इतनी जन्नत में जाने की तमन्ना होती है कि ये तमन्ना उनको रात में सोने नहीं देती, आराम करने नहीं देती, इनको कयाम के लिए उठाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने का तरीका ये था कि आप रात में सोते थे और जागते थे, फिर सोते फिर जागते। ऐसा नहीं था कि आप सारी रात सोए हुए, पहले ऐसा नहीं होता था कि जैसे आप रात में नमाज पढ़ के सो गए फिर आप फजर में उठ रहे हैं, या फिर आप ऐसे हैं कि जैसे काजा सारी रात सोते रहे फजर से पहले उठ गए। नहीं, सहाबी कहते हैं कभी हम देखते थे ऐसा लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल जाग रहे, हालांकि आप सोते भी थे जागते भी थे। ये आपका तरीका है रातों का, लेकिन सहाबी जब कभी उनको देखना चाहते थे आपकी रात की इबादत, तो ऐसा लगता था कि आप जैसे इबादत से मुसलसल कयाम लैल कर रहे हैं। तो क्या क्या वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं? तो असल बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लगता था, यानी ऐसे रात गुजारते थे जैसा लगता था कि उनकी सोच के अंदर कोई चीज मुसलसल उनको बॉदर कर रही है। असल वो चीज थी कि वो क्या चीज थी? सलाह, नमाज। उनको मुसलसल कयाम उल्लैल की फिक्र होती है। आप देखें ना, आपको पता हो कि कल कल आपका प्यारा कोई एयरपोर्ट से आता है, रात भर नींद आती है? नहीं आती ना। आपको पता है बहुत ही, अब आप जैसे आप बैक टू होम से पहली दफा यहाँ कनाडा आए थे, आपको पूरी रात नींद नहीं आती। आप कहते वहीं जाके सोंगी, अब क्यों नींद नहीं आती? फिक्र जहन में वही चीज घूमती है ना, तो इंसान को कैसे नींद आएगी? तो कहने का मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा लगता था बेचैन रहते थे रात में उठने के लिए, मुसलसल कोई चीज आपकी माइंड को पकड़ी हुई थी ऐसा लगता था। और ऐसे जैसे काजल मुसलसल आपकी सोच में होती थी, आपको नमाज की फिक्र होती थी और दिल में अल्लाह का खौफ भी होता था, इस तरह से आप रात को गुजारते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर रात को आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब रात का 2/3 गुजर जाती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको कुछ दूं, है कोई माफी का तलब करने वाला तो मैं इसको माफ कर दूं। अल्लाह ताला तो हर रात आते हैं, रमजानों में तो खास नहीं है ना। तो हम में से कितने लोग हैं जो इस पुकार पर लबैक कहते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो आज इतने मसाइब में, इतनी परेशानी, इतने फितनों का दौर है, एक के बाद एक फितना बढ़ता ही जा रहा है। हर इंसान, चाहे वो दीनदार हो या दीन से दूर हो, हर बंदा परेशान है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो पुकार लगा रहे, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उस वक्त उठकर अपने अपने रब से बात करें? याद रखिए, जब किसी चीज का खौफ होता है ना, या किसी चीज की परेशानी है, वही चीज आपको उठाती है। अल्लाह ना करे कोई घर में कोई बच्चे की बीमारी आ गई, वो आपको सोने नहीं देती। क्यों नहीं सोने देती? क्योंकि वो खौफ आपको होता है कि अल्लाह ना करे अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सेम इसी तरह जिसको अल्लाह के साथ एक कुर्बत नसीब हो जाती है, एक ताल्लुक नसीब हो जाता है, तो फिर वो रातें सो के नहीं गुजारता, वो कुछ देर के सही अल्लाह अपने रब को पुकारता है, अपने रब से बातें करता है, अल्लाह की पुकार पर रब लब्बैक कहता है। अब देखिए, नेक इंसान होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नमाज, रोजा, हज, जकात करें, बल्कि दूसरों के साथ मामलात भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप नमाज में तो बहुत अच्छे हैं, जकात भी देते हैं और बहुत ज्यादा चैरिटी भी करते हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह कयामुल लैल भी है,
लेकिन आपके लोगों के साथ मामला दुरुस्त नहीं है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। तो इंसान बेहतरीन वो है कि जिसकी इबादत भी बहुत अच्छी हो और जिसके मामला भी अल्लाह लोगों के साथ बहुत अच्छे। और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का सफर, जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो इसके बाद जब आप वापस आए तो कैसे खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा ने उनको कंफर्ट दिया, उनको तसल्ली दी और कहती हैं कि अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इतनी परेशानी के आलम में आए थे और आपने कहा था जमीलूनी, मुझे अपनी जान का खतरा, मुझे ब्लैंकेट उड़ा दो, और आपने कैसे उनको कंफर्ट दिया, उनको तसल्ली दी, उनको रिलैक्स किया, और फिर उनसे कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको कभी नहीं रुसवा करेगा, आपका बेहतरीन अखलाक है, आप सिला रहमी करते हैं, आप भी कसों का बोझ उठाते हैं, आप मुफलिसों के लिए कमा कर देते हैं, आप बेहतरीन मेहमान नवाजी करते हैं। कोई भी ऐसी खूबी का जिक्र नहीं क्या, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? सारी वो खूबियों का जिक्र किया जिसकी डीलिंग लोगों के साथ है। आप ये नहीं कह रहे कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखिए, यानी जहां आपकी इबादत को देखिए कि आप परेशान है, बेचैन है अल्लाह से मुलाकात के लिए, और ये मुलाकात आपको रात में सोने नहीं देती। सेम इसी तरह देखिए आपके मामला कितने खूबसूरत हैं, आपस के ताल्लुक कितने खूबसूरत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो आपने कुछ प्रिंसिपल बनाए, कुछ उसूल बनाए, उनमें से एक क्या था, सलाम को लोगों में आम करना, दूसरा क्या था, खाना खिलाना, तीसरा क्या था, सिला रहमी करना, और चौथा काम क्या बताया था, रात को इबादत करो जब लोग सो रहे हो तो बहुत तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सलाम को आम करना क्या मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है, बस अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे आसान कर दे। खाना खिलाना, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान पास कितनी तो पुकार लग रही है, आप सब अपनी पहला ही रमजान है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई रमजान पास करके लिए देना चाहता है रिलीफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल में, कितने जो लोगों तक माशाल्लाह सामान पहुंच चुका है, बहुत चुका है माशाल्लाह। और अगर अब इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होगी आप देखिएगा, खाना खिलाना। हाँ, आज भी किसी सिस्टर ने आप सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खजूरों का इहतमाम किया, प्लीज आप लोग लेकर जाइएगा, वहाँ पे पास किसी ने मुझे कहा था तो वहाँ पे मैंने रखा है इंशाल्लाह, तो आप सबको इंशाल्लाह सिस्टर सीमा सर्व कर देंगे, तो प्लीज आप भी उनको दुआओं में याद रखिएगा। उन्होंने बस यही कहा कि बस मैंने अल्लाह की खातिर किया, तो कहने का मकसद है बहुत तरीके हैं हम कैसे लोगों को दे सकते हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी करें अल्लाह की खातिर करें। तो आप ये देखिए कि आपने चार ये प्रिंसिपल बनाए कि लोगों को सलाम को आम करो, सिला रहमी जो जो आपस के जो रिश्ते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, और रात को जिसे कहा जाए रात की इबादत जब लोग सो रहे हो ना, तो आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन महीना है कि जिसमें मैं और आप जो है रात की इबादत कर सकते हैं। इस हदीस से नंबर वन एक और बात पता चलती है कि रात के जागने की इबादत का पता चला। अबू उमामा अल बाहली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को मैं इसको इसलिए आप बहुत अच्छे से सुनिएगा कि मैं इस हदीस को लेके आज कयामुल लैल के साथ इलाबरेट करूंगी कि कयामुल लैल का फायदा क्या है, इस हदीस में बताया क्या है, और आपकी आयत भी वही है। कौन सी आयत है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रात को सजदे और क़ियाम में गुजारते हैं। तो इस हदीस को बुनियाद बना के मैंने आपको मतलब कयामुल लैल को मैं वाज़े करूंगी। तो अबू उमामा अल बाहली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का क़ियाम किया करो, नंबर वन क्या फायदा, क्योंकि ये सालिहीन का तरीका है। अल्लाहुम्मा जल्ला मिन्हा, अल्लाह ताला हम सबको सालिहीन लोगों में शामिल कर दे। नंबर टू, ये अल्लाह से क़ुर्ब का जरिया है। नंबर टू, नंबर थ्री, गुनाहों का कफारा है, और नंबर फोर, गुनाहों से रोकने वाला है। अल्लाह अकबर, कितने लोग हैं जो अपने गुनाहों से परेशान है, सब सब मेरा नहीं ख्याल है, हम में से कोई कहने, मैं तो बहुत ही हम सब गुनाहों से परेशान है अपने ना, कुछ भी हो जाए, हम ऐसे नहीं कि हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तस्किया हो गया, अब हम तो अच्छे ठंडे ठंडे से जन्नत की तरफ चल पड़े, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये तो स्ट्रगल सारी जिंदगी का है, मुजाहिदा भी और जिसे कहा जाए महासिबा भी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो ये हदीस है जो मोटो है कि रात का क्याम अगर आप करते हैं, नंबर वन सालिहीन का तरीका, नंबर टू अल्लाह के कुर्ब का जरिया, और नंबर थ्री गुनाहों का कफारा, और नंबर फोर गुनाहों से रोकने वाला।
अगर सालहीन को देखें तो इसमें सबसे पहले अल्लाह के जो नबी हैं, जो कि तमाम नबियों के सरदार थे, हमें किसको फॉलो करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीसरी या चौथी जब वही नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला निसफहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तीसरी या चौथी वही है क्या कह रहे, ए चादर ओढ़ के लिए लपेटने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम यानी मगर कम आधी रात या उससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर जिसे कहा जाए पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। दरहकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत ज्यादा मुअसर है, और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत सारी मसरूफियात है ना, यानी कान इन का फिर नहारी सबहन तवीला। बहुत ज्यादा इंसान दिन में इतना बिजी होता है कि अगर आप चार फर्ज ही पढ़ ले तो अल्लाह की शुक्र अदा करते हैं कि चलो फर्ज अच्छे से अदा हो गई, वरना दिन में हम सबकी मसरूफियत का ये हाल आलम है। अब देखिए जब ये आयात नाजिल हुई सूरह अल मुज़म्मिल की ना, अब ये देखिए उस वक्त आपको कहा जा रहा है कि रात को उठकर क़ियामुल लैल करने को कहा जा रहा है। आप सोचिए इस वक्त क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरा मुसहफ मौजूद था जो मेरे और आपके पास है? पूरा कुरान मौजूद नहीं था जिस वक्त आपको कहा जा रहा है रात में उठने के लिए, है ना? पूरा कुरान तो मौजूद, ये तो चौथी या तीसरी वही है, तो आप सोचिए इस वक्त तो पूरा कुरान भी मौजूद नहीं था, और अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके पास क्या है? पूरा कुरान मौजूद है। तो फिर मेरे और आपके लिए क्या हुजूर है कि पूरा कुरान मौजूद होने के बावजूद अगर मैं और आप सब रमजान में कयाम लैल करते हैं और आम दिनों में नहीं करते, तो फिर हम इबादुल रहमान की कैटेगरी में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? तो हमारे पास तो पूरा कुरान मजीद मौजूद है ना रात में कयाम करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग रात का कयाम नहीं करते। वजह क्या है? रीजन क्या है? दलाइल क्या है? देखिए रात के वक्त जो अल्लाह ताला से एक ताल्लुक आम का जुड़ता है वो कभी भी किसी वक्त भी दिन में नहीं हो सकता। रात को जो आप बेदार होते हैं, अल्लाह की खातिर उठते हैं, तो आपको आपके अंदर जिसे कहते हैं जिसे मतलब एक कुव्वत आती है, यानी रात का उठना आपको कुव्वत भी देता है और आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। देखिए कुछ लोग क्लास में आते हैं उनके सारी चीजें अप टू डेट होती हैं, कुछ होते हैं बेचारे लैगिंग कर रहे होते हैं, हाय हाय। देखिए बच्चा, मैं यहाँ पे से किसी को नहीं कह रही, मैं किसी को नहीं कह रही, मैं सोच मैं सिर्फ अल्लाह ताला जो मिसाल लाता है ना समझाने के लिए बता रही, तो मैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बता रही कि रात का कयाम नंबर वन आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको ताकत देता है, ठीक है? नंबर टू आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, इंसान अपना फारिग वक्त कैसे गुजारे ये आप देखे कि ये आपको रात से पता चलता है, क्योंकि रात में खामोशी होती है ना, सुकून होता है। दुनिया भर की जो मसरूफियात, दिन भर के काम काज, घर के हों, जॉब के हों, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप हो, कुछ भी नहीं होता, तब इंसान को फिक्र होती है कि इंसान कैसे अपने दिन भर को स्पेंड करे, कैसे किस अंदाज से रात को गुजारे, क्या पूरी रात सोकर गुजारे, रात का कुछ हिस्सा जागे या आधी रात जागे, किस तरह से अपनी रात को गुजारे। तो देखिए जो दुनिया में आम लोग होते हैं ना उनकी रातें कैसे गुजरती हैं, सच बताइए उनकी रातें कैसे गुजरती हैं? लहव की महफिल में, लव की महफिल में गुजरती है, लेकिन रहमान के बंदों की रातें उनकी तन्हाइयां अल्लाह की याद में बसर होती हैं, अल्लाह की चाहत में बसर होती हैं। लेकिन अगर आप देखें दिन भर में, आप अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर में आपको इतना टाइम ही नहीं है कि आप अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा कुर्ब को महसूस कर सकें, लेकिन रात में जब अल्हम्दुलिल्लाह आप क़ियामुल लैल के लिए उठते हैं, अल्लाह की खातिर अपने नफ्स को कुचलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉन्डिंग अल्लाह के साथ क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को कहाँ गुजारते हैं, डांसिंग क्लब में, शराब में, ड्रिंकिंग में, सोशल मीडिया पर चैटिंग में, कितने लोग हैं फहाश किस्म की मूवी देखने में, है ना? गुजारते ही नहीं गुजारते, बहुत सारे काम है, इवन मुसलमान करते हैं ऐसा काम। आपको क्या लगता है कि हम इतने थोड़े से जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, सबकी कुरान ही पढ़े होते हैं रात को?
अल्लाह के नबी की तो सारी रात कयाम में इस तरह, सारी रात के जो भी उठते थे सोते थे कैसे गुजरते थे कुरान के साथ। हम तो रात में बैठे भी हैं तो लैलतुल कदर में तो ये फॉरवर्डिंग इधर देख रहे हैं, किसने कहा है इस वक्त आपको लगता है कि इस वक्त आपको फॉरवर्ड करना चाहिए? जितना आपने सीखना था सीख लिया, अब आपका अल्लाह से ताल्लुक कनेक्शन आप इसको साथ रखेंगे ना, ये चीज है जो अगर आपका इसके साथ ताल्लुक इतना स्ट्रांग है कि आप रात कयाम लैल में भी आप देखती हैं आप किसका मैसेज है, ओ अच्छा मैं इसको ये पढ़, ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कभी कनेक्शन को स्ट्रांग नहीं कर सकते अल्लाह ताला के साथ। तो इसको थोड़े दिन के लिए आप इसको साइड पे कीजिए, स्पेशली रात, रात तो बहुत अहम है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो खास कर रात है ना, तो इसको थोड़ा साइड पे कीजिए। कितने लोग हैं आप देखिए कि रातों के अंदर जो चोरी होती है, जो डाका होता है, वो भी किस वक्त निकलते हैं? रात ही को तो निकलते हैं चोरी करने के लिए, लोगों के घरों में डाका डालने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह माफ करे सैनमा घर में भी होते हैं, मगरब के बाद सैनमा जो चलती है मूवी, आपको पता है यहाँ भी थिएटर है, और कितने मुसलमान है जो जाते भी है ना, अल्लाह ना करे मेरी और आपकी जो रातें इस तरह से गुजरे। और कुछ लोग तो रात में बिल्कुल फुल सोते हैं, ऐसे सोते हैं कि बस अल्लाह जब उनको उठाए तो उठाए, मेरी मुराद है कि इतनी डीप स्लीप उनको आती है कि माशाल्लाह सारी फिक्रें उनको, जिसको फिक्र होती है ना आखरत की, वो बहुत सो नहीं सकता, उसकी आंखें इतनी देर बहुत डीप स्लीप में जा नहीं सकते, इल्ला माशाल्लाह किसी की चली जाए तो चली जाए। तो ये जो इबादुर रहमान है ना, ये रात के अंदर, ये जैसे अल्लाह के नबी, इसी तरह जो इबादुर रहमान है वो रात में इस तरह से नहीं सो जाते कि बिल्कुल बेखौफ हो गए, बल्कि रात को अल्लाह की आंखें सिसकियां लेते हुए, रोते हुए, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने बताते हुए, रब के आगे गड़गड़ाते हुए अपने रब से मांगते हैं कि अल्लाह मेरी बुराइयां मुझसे दूर कर दे। आती है ना दुआ, वो आती है ना, रब्बना इन्ना समीना मुनादिया युनादि लिलईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फाग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़ना मा अल-अबरार। ऐसे अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे। क्यों ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कयामुल लैल के लिए उठते थे तहज्जुद के लिए, इस दुआ को क्यों पढ़ते थे सूरह आल इमरान की? हर बंदे को गुनाह परेशान करता है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, जिसके अंदर गुनाहों से नफरत है, लेकिन इंसान है, कुल अल इंसानु दईफा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये गलती उसको झिझोड़ती है और रात में उठाती है, अल्लाह के हुजूर झुकने के लिए देती है। याद रखिए, दुनिया में किसी भी स्टेटस को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है ना। कोई भी, जैसे अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन, किसी जॉब को चाहिए, कोई जॉब हासिल करना है, तो आपको डिग्री चाहिए ना, उसके बगैर आपको नहीं मिल सकती वो जॉब। इसी तरह जैसे आपको कोई, जैसे मतलब किसी बड़े ओहदे पे जाना है, तो आपको कहा जाता है कि आप ये कोर्स भी कीजिए जब आपको ये टाइटल मिलेगा ना, जैसे आपको प्रेसिडेंट का है या उसके नीचे है, इतने टाइटल होते हैं ना कि ये, तो आपको कहा जाता है कि आपको अपग्रेड करने के लिए आपको ये शॉर्ट कोर्स भी करना पड़ेगा। याद रखिए, कुरान पढ़ने के लिए आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं, बस आप अल्लाह के आगे खड़े हो जाए। कयामुल लैल करने के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कुरान आपके सामने मौजूद है, अल्लाह को पुकारिए, रोइए, अल्लाह के आगे झुकिए। हमारे बच्चे जब अगर यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से घर आते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे बच्चे आते हैं, जरा सा देर हो गई स्कूल से आने में, कॉलेज से आने में, तो हम कहते हैं बेटा थोड़ा जल्दी सो जाओ ताकि सुबह आराम से उठ जाओ। और जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है दिन में तो आपको बहुत मसरूफियत है, दिन में तो आप यू आर सो बिजी, तो अब आप इतने बिजी हैं तो अब आप रात को कयाम, दिन में आप अल्लाह की इबादत को फुलफिल नहीं कर सकते, और अब आप क्या कीजिए? रात में फिर कयाम कीजिए। हम कभी कहते हैं बेटा तुम इतने थके भी आओ, चलो अब आप कयाम करना शुरू कर दो, तुमने जितनी अपना इंक्रीमेंट लगाना था लगा लिया, तुमको जितना बोनस मिलना था मिल गया, तुमने जितना एक्स्ट्रा आवर करना था कर लिया, अब अल्लाह की बंदगी के लिए भी आ जाओ। अल्लाह ताला तो अपने नबी से ही कह रहे हैं, हम तो इतना सिंपैथी बच्चों को दिखाते कि नहीं यू आर सो टायर्ड, रात भर जागे हो, 2 घंटा ओवर तुमने जॉब की है, अब तुम आके आराम से सो जाओ ताकि सुकून से तुम सुबह उठो। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं दिन में तो आपको बहुत मसरूफियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब आप क्या कीजिए? रात में जागे और अल्लाह का कुर्ब हासिल कीजिए। अबू ज़िनाद है, वो मदीने में, कहते हैं कि वो मदीने में एक एक हमारे असलाफ में से, वो कहते हैं कि मदीने में रात के आखिरी हिस्से में
मस्जिद की तरफ चल के जाते थे तो मदीने के हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जबकि आज हमारा हाल क्या है, आप सोचिए कि मस्जिद जा रहे हैं और तहज्जुद का वक्त है, और कैसे जिसे कहा जाए हर घर से जिसे कहा जाए मतलब कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जबकि हम उस वक्त क्या होता है, अक्सर हम आखिरी जो रात का हिस्सा होता है उस वक्त हमको ज्यादा गहरी नींद आती है ना। आप अमूमन देखेगा उस वक्त इतना शैतान हमें जगाता है कि उस वक्त उठना कितना मुश्किल हो जाता है, अल्लाह अकबर। इसी तरह आज हम देखते हैं कि जब हम रात में देर से आते हैं या फिर हम देर से आराम करते हैं, और अक्सर फजर भी हमारी निकल जाती है ना, जबकि हमसे पहले के जो लोग हैं अल्लाह अकबर, उनको जो कामयाबी मिली है, उनको जो शोहरत मिली है, उनको जो इतना नाम मिला है, इसकी वजह उनकी डेडिकेशन थी, उनका फोकस होना था, उनका रब के साथ इखलास था, ताल्लुक था, सिर्फ ताल्लुक नहीं था, इखलास के साथ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक था। अबू ज़नाद ये भी कहते हैं कि हमें जब भी कभी भी बड़े लोगों से कुछ चाहिए होता था, यानी कोई बड़े हैं उनसे उनसे कोई मसला पूछना था, कोई चाहिए होता था, तो हम उनसे मुतलावत के वक्त मिलते थे जो कि तहज्जुद का वक्त होता था। आज हमारे घर में कोई ताज्जुद के वक्त आके तो देखे, इल्ला ही कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है ना, कहीं किसी वो कंट्री में उस वक्त आ गया, हम तो बड़े हैरान होंगे। उस असनाफ को देखे, वो कहते थे हमें किसी से कोई मसला पूछना है, कोई मसला हो कुछ भी होता था तो हम तिलावत के वक्त जाते जो कि तहज्जुद का वक्त होता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त सब लोग अपने घरों में उठकर अल्लाह की इबादत कर रहे होते थे। अल्लाह करे आज हम सबके घर ऐसे हो जाए कि मैं आपके घर में दस्तक हूँ, आप कुरान पढ़ रही हूँ, मैं आप मेरे घर में दस्तक दें तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, वेलकम टू ऑल, है ना। अल्लाह करे ऐसा हो। ताउस बिन किसान अल्यमानी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी उस वक्त के दौर में कोई भी रात के आखिरी हिस्से में सोता हो। सुभान अल्लाह, यानी ये जो हमारी सालिहीन की जो सोबत में आपको बताया ना, जो पहला पॉइंट कि कयामुल लैल करो, चूंकि ये सालिहीन की सोबत है तो सालिहीन बता रहे हैं कि उनमें से एक ताउस बिन किसान अल्यमानी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे हमारे दौर में कोई रात के आखिरी हिस्से में सोता हो। इसी तरह आपको पता है इमाम अहमद बिन हम्बल, आप जानते हैं ना, सब जानते हैं, वो कहते हैं जिनको 1 मिलियन हदीस याद थी, इनके पास एक शागिर्द आया और उन्होंने इसको अपने घर बुलाया और फिर उसके लिए वुदू का पानी रखा। आपने देखा कि पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आपने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो कि इल्म सीखे और रात को कयामुल लैल ना करे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मैं मुझे सबसे ज्यादा और आप सब, अगर हम दीन का काम करते हैं तो कयामुल लैल के बगैर मैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारे असलाफ थे, सुभान अल्लाह। और हमने तो दीन को एक मजाक बनाया हुआ है ना, क्योंकि इसी वजह से मैंने देखा जब कोई चीज हमारे एक्शन में नहीं होती ना, तो आप चाहे जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा अल्लाह ताला ने आपको बोलने की सलाह दी, असर नहीं करते बात है जब तक आप खुद कयामुल लैल नहीं करते, जब तक खुद आपका अपने रब के साथ ताल्लुक नहीं होता। आप देखे कि इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि मुझे मतलब एक शख्स को रखा और देखा कि वो तो रात में उठा ही नहीं, उसने कयाम ही नहीं किया, तो कहते हैं कि कैसे हो सकता है एक शख्स जो कि इल्म सीखे और रात को कयामुल ना करे। इसी तरह मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अनु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कयाम करते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को वरम आ जाता, आपसे कहा जाता कि अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर क्यों बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ताला ने तो आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में क्या कहते थे, अफला अकुना अबदन शकूरा। हमें तो हम अक्सर कभी उठते भी ना तो कुछ हमारी परेशानी होती है, कोई हमें हाजत होती है, हमें से कौन है जो शुक्र गुजारी के लिए, इस हिदायत की शुक्र गुजारी के लिए, इस कुरान की महफिल की शुक्र गुजारी के लिए, शौरी जिंदगी की शुक्र गुजारी के लिए अल्लाह के आगे अफला अकुना अब्दन शकूरा के तौर पर हाजिर हूँ। कर सकते हैं हमें से, हमारी तो सोच वहां तक शायद जाती नहीं है। कहते हैं कि मैं अल्लाह सुबहाना बताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अगर अल्लाह हमें पता चलता है तो अल्लाह ताला ने किसी तरह के हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, सच बताइए उसके बाद कौन कयामुल लैल करे, कौन नमाज पढ़े, कौन पता ही कि कंफर्म है जन्नत, क्योंकि जब गुनाह ही बख्शे गए तो असल तो गुनाह ही है ना, जो आपको आपको जिसे कहा था मैंने हमने कल बताया था नफ्स सवारी है, या तो जन्नत जाएगी या फिर आप जिसे कहा था जहन्नम की तरफ ले जाएगी।
इसी तरह उमर बिन आस रदी अल्लाहु अनु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, फला की तरह ना हो जाना जो रात में इबादत किया करता था फिर उसने छोड़ दी। बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं इबादत कयाम अल्लैल फिर वो छोड़ देते हैं, बहुत से लोग हिजाब स्टार्ट करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, बहुत से लोग अल्लाह ताला माफ करे ये बहुत सारी नेकी के जैसे अपने लिए एक टारगेट लेते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो, उसके अंदर कंटिन्यूटी हो। आज हमारा ये होता है कि अभी हमने सुना, हमारा दिल भर आया, ईमान हमारा बूस्ट अप, हम कहते हैं नहीं आज से तो हमें तहज्जुद नहीं छोड़नी। और क्या होता है, पीरियड्स आए, कोई भी आए, कोई प्रॉब्लम आई, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन छोड़ा, तीसरे दिन छोड़ा, और फिर वो कहते हैं चलो फर्ज तो नहीं। कितनी काबिलें आनी शुरू हो जाती है ना, फर्ज थोड़ी है ये, तो मैं फर्ज तो पढ़ी, इतने अच्छे से पढ़ रही, कोई बात नहीं। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली और अपने सबसे पहले मैं अपने आप को कह रही हूँ, अगर मैं कयामुल्लैल नहीं करती तो मेरा इतना कहना बैठना बिल्कुल बेकार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि ये सालिहीन की सिफत में से, सालिहीन ऐसा करते थे, इसीलिए मैंने आपके सामने सालिहीन के बारे में रखा। आयशा रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करती है कि मेरे पास बनू असद की एक औरत बैठी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनके मुतालिक पूछा ये कौन है, मैंने कहा ये फला खातून है जो रात भर नहीं सोती, इनकी नमाज का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस तुम्हें सिर्फ इतना ही अमल करना चाहिए जितनी की तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो सवाब देने से थकता नहीं, तुम ही अमल करते करते थक जाओगे। पूरी रात का कयाम सुन्नत से साबित नहीं है, कोई पूरी रात, अब आयशा रजी अल्लाह अन्हा कितनी मरूब हो रही है, पूरी रात कयाम करती है, इबादत करती है, और आप उनकी सारी जैसे होते ना किसी के सुनते, ये तो इतनी अहम, अब हम भी अपने घरों में हस्बैंड को बताते हैं घर जाके, आज मैंने ये देखा, मैंने इनका अमल देखो, ये करती हैं। तो वही बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना नॉर्मल और नेचुरल अंदाज में उनको बताया कि पूरी रात जो अगर कोई करती भी है, सब कुछ भी करती है, ऐसा ना हो कि 4 दिन के बाद वो बिस्तर पे लेटी हो नहीं कर पाएगी, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, आपको कुछ ऐसा सुनना भी जरूरी है, लेकिन एक दिल के अंदर दिमाग में खौफ अल्लाह की कुर्बत, उसकी मोहब्बत, उसका खौफ, वो आपको जगाती है, और फिर आप कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट, अभी मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगी कैसे करना है इंशाल्लाह। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता और तुम अमल करते करते थक जाओगे। तो बैलेंस, दीन कितना खूबसूरत है, उसी वक्त देन एंड देयर आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बता दिया दिस इज द बैलेंस, ये बैलेंस है, ये करना है, सारी रात नहीं कहा जा रहा आप कयाम करें, बस कैसे करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर देखिए कि उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रात के वक्त वो सूरत अल बकरा की तिलावत कर रहे थे और इनका घोड़ा इनके पास ही बंधा हुआ था, इतने में ही घोड़ा भिदकने लगा, उन्होंने तिलावत बंद कर दी, रात में पढ़ रहे थे तो घोड़ा भी रुक गया, फिर उन्होंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर भिदकने लगा, इस मरतबा जब उन्होंने तिलावत बंद की तो घोड़ा भी रुक गया, तीसरी मरतबा उन्होंने जब तिलावत शुरू की तो फिर घोड़ा भिदक गया, इनके बेटे याहिया जो कि घोड़े के करीब थे इसलिए डर से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, उन्होंने तिलावत बंद कर दी और बच्चे को वहां से हटा दिया, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई तो कुछ ना दिखाई दिया। सुबह के वक्त ये वाकया उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने हुसैन तुम पढ़ते रहते, तिलावत बंद ना करते तो बेहतर था। उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डर लगा कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे याह्या को ना कुचल डाले, और वो उससे बहुत करीब था, मैंने जिसे कहा जाए सर पर उसको उठाया, फिर याह्या की तरफ गया और फिर मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो एक छतरी सी नजर आई जिसमें रोशन चिराग था, फिर जब मैं दोबारा बाहर आया तो मैंने उसे नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें मालूम भी है वो क्या चीज थी, उसैद बिन हुज़ैर रदी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए करीब हो रहे थे, अगर तुम रात भर पढ़ते रहते तो सुबह तक और भी लोग उन्हें देखते और वो लोगों से छुपते नहीं। अल्लाहु अकबर। तो रात को जो कयाम आप करते हैं ना, और फिर वो वही बात है ना, वरतिल कुरआन तरतीला,
तरतील के साथ। आप देखिए इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहे थे कि पूरे फरिश्तों ने अम्ब्रेला की तरह ऐसे उनके घर को ढांपा हुआ था, और उनको डर लगा कि मेरा बच्चा मतलब ये घोड़ा है वो भिदकते जा रहा है। वो देख रहा ना ऐसी मखलूक, तो जो वो तो देख रहे थे, उनको तो पता चलता हमें नजर नहीं आते फरिश्ते ना। तो कहने का मकसद है आप सहाबा को देखे कैसे रात को जा रहे हैं, कैसे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है वो अहले आसमान को ऐसे नजर आते हैं जैसे अहले जमीन को सितारे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सितारे कितने खूबसूरत लगते हैं, आग के करना आसमान से ऐसे ही नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, जब आप रात में अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद ताउस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, लोगों में से अच्छी आवाज में कुरान कौन पढ़ता है और अच्छे तरीके से कौन कौन करार करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जब तुम उसे करार करते हुए सुनो तो तुम्हें ये महसूस हो कि वो शख्स अल्लाह से डरता है। अल्लाह अकबर, कब हुआ कि करा तोड़ी और आपको अंदर से कब कभी आ गई, आप भापने लगे, आपका दिल वजीलत कुलूब डर से एकदम मतलब आपकी रोंगटे खड़े हो गए, आपके टप 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 आंसू बहने लगे। कब होता है मेरी और आपकी करा के अंदर? देखिए अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन मसूद रضي अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको कुरान सुनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाजिल हुआ है। फरमाया, मैं कुरान को दूसरों से सुनना पसंद करता हूँ। तो मैंने सूरतुल निसा की तिलावत शुरू की, और जब आप इस आयत पर पहुंचे, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउला शहीदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस बस ठहर जाओ ठहर जाओ। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से बह रही हैं। अल्लाह के नबी कैसे रोते थे कि जब अल्लाह के नबी को ऐसा गवाही के तौर पर लाया जाएगा अपनी उम्मत के ऊपर, कैसे आप गवाही देंगे? एक माँ जैसे अपने बच्चे के खिलाफ गवाही दे नहीं सकती वो ममता, सेम इसी तरह अल्लाह के नबी तो अपनी माँ से इतना मोहब्बत करते थे। और आप कहते हैं कैसे अबू इब्ने मसूद को कहते हैं, बस तुम रुक जाओ ठहर जाओ रुक जाओ, और आपकी आंखें आंसुओं से बह रही थी, इतनी फिक्र थी। ये होता है कि जब इंसान तिलावत करे और उसका दिल जैसे अंदर से जैसे इंसान बेख्तियार आंसू आते हैं, ये दिखावे के आंसू नहीं होते। जब आपको समझ आता है, जब आपको अल्लाह के वादों का यकीन होता है कि जो बताया जा रहा है वैसा होकर रहेगा। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रदी अल्लाह अनु कहते हैं कि मैंने उमर रदी अल्लाह अनु के रोने की आवाज सुनी, हालांकि मैं आखिरी सफ में था, और आप क्या कह रहे थे? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, आखिरी सब तक आपके रोने की आवाज आ रही थी। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब कोई ख्वाब देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर देते। मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखता और आपसे बयान करता। मेरा उस वक्त मैं उस वक्त नौजवान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या करता था? मस्जिद में सोता था। चुनांचा मैंने भी ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मुझे पकड़ कर दोजख की तरफ ले गए। मैंने देखा कि दोजख दोजख पर कुएं की तरह बंदिश है, यानी उस पर कोई मुंडेर बनी हुई है, और उसके दोनों जानब जिसे कहा जाए मुंडेर मौजूद है। फिर दोजख में से बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा दोजख से अल्लाह की पना। उन्होंने बयान किया कि फिर हमको एक फरिश्ता मिला और उसने मुझसे कहा, डरो नहीं, ये ख्वाब है। मैंने फिर इस ख्वाब को अपनी बहन हफ्सा रदी अल्लाहु अन्हा को, और उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो ताबीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बहुत खूब लड़का है, बहुत बेहतरीन लड़का है, काश रात में नमाज पढ़ा करता। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु रात में बहुत कम सोते थे, ज्यादा इबादत ही करते थे। आज अपने बच्चों को बोल दें बिदा करा करना तो सही,
देखिए कि जब बहुत देखा बताया, और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर बताई, उसके बाद वो रात को कम ही सोते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। ये तो हदीस का पहला हिस्सा था कि सल्फे सालिन, जैसे रात का कयाम सालिहीन यानी सालिहीन का तरीका था। दूसरा इस हदीस को देखेंगे तो रात का कयाम करो अल्लाह के नबी ने बताया, क्यों? क्योंकि ये रब से कुर्ब का जरिया है। मैंने आपसे कहा था मैं इस हदीस को इलेबरेट करूंगी, रात के कयाम को, ये रब के कुर्ब का जरिया है। आपको पता है कि रात का कयाम सबसे आसान तरीका है अल्लाह सुबहाना कुर्ब हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अस्सजदा में, इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लदीना इदा ज़ुक्किरू बिहा क़ारू सुजदा व सबहु बिहमदि रब्बिहि व हुम ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यद'ऊना रब्बहुम खौफ़ व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन क़ुर्रति अय्युन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। बताया जा रहा है बस हमारी आयतों पर तो वो ईमान लाते हैं कि जब उन्हें वो आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब के हम के साथ तस्बीह बयान करते हैं, और वो तकबर नहीं करते, अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को खौफ से और उम्मीद से पुकारते हैं और हमारे दिए में से खर्च भी करते हैं। फिर कोई शख्स नहीं जानता कि उनके अमल के बदले में, उनकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह सुबहाना व तआला ने क्या कुछ छुपा रखा है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में गुरफा है, बालाखाने हैं, मेंशन है, पैलेस है, और वो क्या जिसका अंदर बाहर से और बाहर का अंदर से नजर आता है। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ये गुरफा किसके लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन कलाम करे, लोगों को खाना खिलाए यानी रोज, और क्या करे, रोजे रखे, जब और जब लोग सो रहे हो तो रात को कयाम करे। सुभान अल्लाह, हम में से कौन है जो गुरफा नहीं चाहता? दुनिया में छोटे बड़े सारे घर होते हैं। आप देखते हैं जब किसी के मेंशन को दिल तो जाता है, हमारा भी हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर दुनिया में नहीं मिला, आखिरत में बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको गुरफा दिला देंगे, मेंशन दिला देंगे। अल्लाह के जिसे कहा जाए, ये जो बड़े बड़े जो जिनका अंदर से बाहर, आज आज तक कोई ऐसा पैलेस नहीं है दुनिया में जिसका अंदर का बाहर, बाहर का अंदर से नजर आता। इमेजिनेशन में कभी सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ क्या चीज होगी वो अल्लाह। तो ये जो एक बिछनी है ये देखने की, बस ये चीज इंशाल्लाह आपको अच्छे काम में लेकर जाएगी। तो इन चारों क्वालिटीज को हम देखते हैं जो यहाँ मेंशन किए गए, कि बेहतरीन कलाम। आपको पता है कि रमजान में अगर आप गलत बात कहते हैं, लफयात कहते हैं, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोजे से कोई मतलब नहीं। प्लस लोगों को खाना खिलाना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में आता है। नंबर 3 जिसे कहते हैं रोजे रखना, और रात का कयाम। सुभान अल्लाह, इस हदीस के अंदर ये चारों क्वालिटीज आ जाती हैं। और देखिए कि रमजान कैसे हमारा ट्रेनिंग का महीना है ना, तो हमें कहा गया कि अगर तुम्हें कोई बुरा अल्फाज कहे तो कहे तो इन्हें साइम हूँ, है ना, मैं रोजे से हूँ। इसी तरह आप देखिए रमजान में खाना खिलाने का कितना अजर है कि अगर आप किसी का रोजा खुलवाते हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने जिसका रोजा खुलाया खुलवाया उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको अजर मिलता, और आपके अजर में कोई कमी नहीं, उसके अजर में कोई कमी वाकया नहीं होती। और तीसरी क्वालिटी रोजा रखना, जो हम सब अल्लाह की दीवी तौफीक से रखते हैं। और चौथी चीज रात का कयाम, है ना, रात का कयाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये चारों क्वालिटीज हम सब के लिए आसान हो जाती है ना। और इसी तरह रिवायत में अब इसके बाद देखिए, ये जो चारों काम जब आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब के कुर्ब का जरिया बनती है। इसके बाद देखिए अब इंशाल्लाह हम तीसरी क्वालिटीज को देखते हैं, जो कि गुनाहों को कैसे धोया जाए ना। आपने देखा ना कि गुनाहों का कफारा भी है। याद रखिए, बास गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को बेचैन कर देते हैं, बहुत रेस्टलेस कर देते हैं, और रात में सोने नहीं देते। इंशाल्लाह इसकी ना एक आयत में आपको मैं इबादुर रहमान में हम एक आयत करेंगे, इल्ला मन ताबा,
उसमें एक मैं आई ओपनिंग आपके सामने स्टोरी शेयर करूंगी, इंशाल्लाह जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो कहने का मतलब है कि गुनाह इंसान को सोने नहीं देते, इंसान के दिल पर भूचाल होते हैं, इंसान फिर रात को रो रो के गुजारता है और कयाम करता है और अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफी मांगता है। और इसी तरह चौथी बात की, ये आपने देखा कि रात का कयाम इंसान को गुनाहों से रोकता है। अगर हम देखें कि इंसान जो है वो बहुत कमजोर पैदा किया है ना, इंसान बहुत अवकात गुनाहों से तौबा करता है लेकिन इसके बावजूद दोबारा गुनाह करने लगता है। होता है ना, आपने कहा मैं गइबत नहीं करूंगी, बस अभी आपने तौबा की है, 3 दिन के बाद आप दोबारा पता नहीं कैसे वहां फिसल गए ना, आप दोबारा ये गुनाह कर बैठे। क्यों? क्योंकि उस पर शैतान का जोर है ना, और उसके नफ्स का भी बहुत ज्यादा जोर है। तो इंसान इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि रमजान में इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करे। तो रात का कयाम आपके नफ्स को कुचलने का जरिया है, आपके नफ्स को दबाने का जरिया है। तो इंशाल्लाह जब आप नफ्स को दबाएंगे, नफ्स को जैसे कहा जाए एक तरह से केयरलेस हो जाएंगे कि आपको इसकी सुननी नहीं है, तो इंशाल्लाह ये नफ्स को दबाना, ये रात का कयाम, ये बेसिकली आपके और आपके गुनाहों यानी आपके नफ्स और गुनाहों के दरमियान शील का काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, एक तरह से आपको बैरियर का काम करेगा ये रात का कयाम। सुभान अल्लाह, इस तरह से क्या है कि आप गुनाहों से इंशाल्लाह बचेंगे। तो रात का कयाम बेसिकली एक तरह से शील का काम है। आप देखिए रात का जो कयाम है ना, इंसान को बड़ा मुअज्जज बनाता है, बहुत ऑनर देता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से जब इंसान गुनाह से बचता है ना, तो वो लोगों के दरमियान भी बड़ा मुअज्जज बन जाता है ना। आप देखिए कोई ऐसा शख्स आपके पास से गुजरे जो आपको पता है कि इसकी आदतें अच्छी नहीं है, आपको पता है कि ये सूद का लेन देन है, ये इनकी फैमिली अच्छी नहीं, जैसे कभी रिश्ते की बात आती है आपसे लोग पूछते हैं ना कैसे लोग हैं, आपको पता होता है तो आप बताते हैं कि इनके यहाँ कैसे लोग आते हैं, किस तरह का आना जाना है। लेकिन एक शख्स जो गुनाहों से बचता है, तो आप उसकी पाइटी का, उसकी उसके जिसे कहा जाए जो उसके अंदर कहने का मतलब पाकिजगी है, तहारत है, उसका नेक होना लोगों को बताते हैं। तो याद रखिए जो रात का कयाम है इंसान को ऑनर देता है। क्यों? कि जब आप गुनाहों से बचते हैं तो लोगों के सामने रुसवा नहीं होते, अल्लाह ताला आपको लोगों के सामने रुसवा होने से बचा लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आता है, बहुत ही प्यारी हदीस है। जिब्रील अलैहि सलाम आपके पास आए और आपसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जितना अरसा रहना है आप रहें, लेकिन एक दिन आपको यहाँ से जाना है, आपको जिससे जितनी मोहब्बत करनी है करो, लेकिन एक दिन आएगा उस मोहब्बत को छोड़ना पड़ेगा, और जो करना है दुनिया में करो, लेकिन एक दिन आपको इन कामों को छोड़ के जाना है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को याद रखें कि मुसलमान का जो ऑनर है रात के कयाम से है, उसको जो इज्जत मिलती है, उसको जो मुअज्जज बनता है वो रात के कयाम से। और मुसलमान की डिग्निटी सेल्फ सफिशिएंट होना, किसी के आगे मोहताज ना होना, ये है इंसान की डिग्निटी, ये है इंसान कि इंसान किसी के आगे अपने आप को सरेंडर ना करे, वो अल्लाह का मोहताज बने। सुभान अल्लाह, आज कितने लोग हैं जिससे मैं और आप मोहब्बत करते हैं, एक दिन तो छोड़ के जानी है ना, एक दिन मैं और आप चले जाएंगे, जब चले जाना है तो रहना नहीं है, तो फिर क्या करें? रात के कयाम का इहतमाम करें। हम ये सोचे कि हमें रात का कयाम कितना करना चाहिए, हाँ अब सवाल होगा कि हमने कितना कुछ पढ़ लिया, अब हम कितनी आयात पढ़ें, क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि जिसने 10 आयत के साथ कयाम किया वो काफिलों में नहीं लिखा जाता। सुभान अल्लाह, आप 10 आयतें रात को कयाम कर लेते अल्लाह ताला आपको काफिलों में नहीं लिखता। सुभान अल्लाह, और जो 100 आयत के साथ तिलावत करता है, कयाम करता है, वो कानितीन में लिखा जाता है। आप 100 आयत की तिलावत कर रहे हैं, आप कानितीन में आ गए, आना अल्लैल आना अन्नहार वाली कैटेगरी में आ गए, जो दिन और रात अल्लाह को पुकारने वाले। और अगर आप 1000 आयत के साथ अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, कयाम करते हैं, तो आप मुकंतरीन की कैटेगरी में आ जाते हैं, अल्लाहु अकबर। और एक किंतार उल्मा कहते हैं कि 4,000 दिनार के बराबर है, और कुछ उल्मा कहते हैं उससे भी ज्यादा पैसे हैं, और कोई कहता है अनलिमिटेड अजर व सवाब है जो 1000 आयात के साथ कयाम करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि एक किंतार दुनिया व माफी है, और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। क्या
क्या कुछ दुनिया में है, इमेजिनेशन में लाई, नोट्स तो ले लेंगे, सोचें फिकर करें कि दुनिया व माफी है, क्या कुछ दुनिया में है। सुभान अल्लाह, एक इंसान, अल्लाह अकबर, मुकन तरीन के अंदर आना, आसार आया तो आपने की 10 में गाफिल होने से हट गए, 100 के करते हैं आप पानी तीन की कैटेगरी, 1000 के करते हैं मुकन तरीन की कैटेगरी में आ रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। और ये एक कंतार जो दुनिया है और जो कुछ दुनिया व माफिया, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उससे बेहतर है। तो अगर सोचे, अगर कोई शख्स रात में 1000 आयतें तिलावत करता तो कितने कंतार जमा कर। अल्लाहू अकबर। इमाम हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि सूरतुल मुल्क से लेकर सूरह नास तक 1000 आयतें बनती है। अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह अगर कोई ये दो जुज कुरान में पढ़ लेता है तो वो मुकंतरीन की कैटेगरी में आ जाता है। कितने लोगों को 30 जुज याद है? माशाल्लाह, माश कोई बात नहीं। और किसने कितने लोगों को 29 याद है? नहीं याद है, यहाँ पे बैठ के दुआ कर लेते हैं, है ना, ऐसी महफिलों में दुआ कबूल होती है। अब जो हम सूरत अल बकरा के बाद टारगेट लें 29, ये 29, ताकि ये दोनों याद होंगे ना, आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कयामुल्लैल करेंगे और अल्लाह से दुआएं मेरी और अपने लिए भी आप सबके लिए, अल्लाह मुझे और आपको मुकंतरीन में शामिल कर दे, है ना। तो सूरतुल मुल्क से लेकर सूरह नास तक अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है कि अल्लाह ताला ये बता रहे इमाम हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह कि ये तो जो जुज़ है ये 1000 आयतें बनती हैं, फिर इंसान इस तरह की तिलावत करके मुकंदरीन की कैटेगरी में आता है। अब हम सोच रहे होंगे कि हम में से हर एक को आखिरी दो जुज तो याद नहीं होते, है ना, क्या है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आखिरी जुज की आखिरी आयतें तो याद होती हैं, है ना, सबको याद है आखिरी आयतें, कोई मसला नहीं है। हमारे पास इतने सोल्यूशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में कि कोई भी इस फैज से महरूम नहीं रहने वाला। तो खुशखबरियां हैं, तो गौर से सुनिए इस्माइल के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। तो याद रखिए, अगर आपको आखिरी नहीं याद है दो जुज, तो आप इसका अजर लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, तो आखिरी जुज की आखिरी की आयतें तो सबको याद होंगी, और स्पेशली सूरह इखलास किस किस को याद है? सबको याद है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह, अगर हम सोच लें, अगर हम सिर्फ सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं, अल्लाहु अकबर, कितनी खूबसूरत बात है। तो इंशाल्लाह इसका एक दफा पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है। आप नहीं कर पा रहे, आपको नहीं दो जुज याद, आपका जहन इतना स्ट्रांग है ही नहीं। कुछ लोग होते ना, उनको कुछ नहीं याद रहता, लेकिन सूरह इखलास तो याद रहती है ना। यानी ये बचपन से माए अपने बच्चों को सूरह इखलास या सूरतुल फातिहा, सूरह अन्नास या सूरह जैसे काजर अल फलक, है ना, ये याद है, तो कोई मसला नहीं है। आपको 1/3 तो चाहिए रिवॉर्ड, क्या करें, सूरह इखलास की तिलावत शुरू कर दें इंशाल्लाह। ये हमारे सलफ कहते हैं किसी को कुछ नहीं याद है ना कुरान में लास्ट की आयतें याद है, तो कोई बात नहीं, सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करें अल्लाह से इस उम्मीद पर कि इसका अजर 1/3 कुरान के बराबर है। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप भी मुकद्दरीन के कैटेगरी में आ जाए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब देखिए कितनी खुशखबरी है, क्योंकि सूरतुल इखलास के अंदर तौहीद है, सिंसियरिटी है। एक सहाबी अपनी हर रकत में सूरह इखलास को पढ़ा करते थे, तो अक्सर सहाबा उनको ऐसे कहते थे जैसे पता नहीं इनको क्या है कि ये हर नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे मैं और आप एक नियत कर ले, मैं भी करती हूँ, भूल जाए वो बात अलग है कि हम अब आज से कोशिश करें, हो सकता है आप में से कोई बहने करती हो, हम हर जिसे कहा जाए सूरत जो भी हम इंशाल्लाह रिकत पढ़ेंगे तो उसमें हर रिकत के साथ जो सूरत पढ़ेंगे एक सूरह इखलास मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह। आप लोग हो सकता है बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ, कभी किया कभी नहीं किया, तो इंशाल्लाह रमजान में इसको रूटीन को बांध देते हैं कि ताकि हमारी आदत हो जाए, हम अपने आप से करते हैं और अल्लाह ताला हम मतलब गवाह है
और अल्लाह ताला देख रहे हैं, लेकिन एक इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये वैसा काम है कि जबरदस्ती का नहीं, क्योंकि अभी आपने, मैंने आपके सामने बैलेंस में हदीस भी रखी, वो जो औरत सारी रात क्याम कर रही है, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आगे से इंशाल्लाह एक और हदीस आपके सामने रखती हूँ, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह से रिवायत है कि वो एक दफा अपने दोस्त अबू गालिब के साथ थे, जो कि ताबईन थे, है ना। अब उस वक्त फजर का वक्त होने वाला था, तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा चलो जल्दी से तहज्जुद पढ़ लेते हैं और इसमें 1/3 कुरानी मजीद पढ़ते हैं। तो वो कहने लगे हम इतने कम टाइम में 1/3 कुरान कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा सूरह इखलास पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है। अल्लाह अकबर, होता ना आंख देख से खुली, कोई बात नहीं, बस 1/3 को याद रखा, खड़े हो गए अल्लाह के आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वो है कि जिसको छोटी छोटी सूरतें याद है, अब अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है ना, ये भी तो होता है ना। अब बहुत से लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं याद होता कुरान में से ना, अब वो क्या करें, अब क्या वो क्या महरूम हो जाए। नहीं, कोई मसला नहीं है, कुरान खोलिए, सुबहान अल्लाह, इतने ऑप्शन है। आपने कुरान अपने फोन पे खोलिए, अपने मुसहफ पे खोलिए, इसमें डोंट डिस्टर्ब का मोड लगा दीजिए, देख के पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक सूरत पढ़े, दो सूरत पढ़े, आपकी मर्जी, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे लिए कयाम लैल ना करने का। तो किसी को कुछ भी नहीं याद है जबानी, तो वो देख के पढ़ना शुरू कर दे नफल नमाज से, अल्लाह हू अकबर। तो यही कहा जा रहा है कि आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ऐसा करती थी कि कभी कभी अपने गुलाम से कहती थी कि तुम वो उनको तहज्जुद पढ़ाएं, कयाम लैल करवाएं, और वो कुरान को मुसहफ को देख के पढ़ा करते थे, और आयशा रदी अल्लाहु अन्हा उनके पीछे पढ़ा करते थे, और इसी तरह हसन बसरी भी करते थे, और अता रहीमहुल्लाह भी ऐसे ही किया करते थे। तो हुज्जत हमारे सामने सारी मौजूद है, ऑप्शन कोई नहीं रख, कोई भी जिसे कहा जाए मतलब वो नहीं रखा कि लूप होल के आप कयामुल्लैल ना कर सके। अब देखते हैं कि ये तो आपको सारे ऑप्शन मिल गए, अब अगर हम देखते हैं कि हम फजर के वक्त अलार्म लगाते हैं, ठीक है ना, और हमारी आंख नहीं खुलती, अलार्म लगा लिया, सेट कर लिया, अब आंख ही नहीं खुली ना, फिर क्या करना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए कि मैं और आप वक्त पर सोएं। बाज़ोकात हमारे अंदर इखलास ना होने की वजह से और बाज़ोकात हमारे अपनी गुनाहों की वजह से हमारी आंखें नहीं खुलती। इखलास, इसको नोट कीजिए, क्यों आंख नहीं खोली, या तो इखलास की कमी है, या फिर जिसे कहा जाए हमारे गुनाह हमें उठने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हसन बसरी रहीमहुल्लाह कहते हैं, एक मरतबा एक शख्स हसन बसरी रहीमहुल्लाह के पास आया और कहा मैंने रात में अपने वुदू का पानी तैयार किया, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं उठ सका। तो हसन बसरी रहीमहुल्लाह ने कहा तुम्हें तुम्हारे गुनाहों ने रोके रखा। अल्लाह हू अकबर। तो बाज़ोकात ऐसा होता है कि नहीं उठ पाए, तो उसका मतलब है या तो इखलास की कमी थी या गुनाहों ने उठने नहीं दिया। और बाज़ोकात ऐसा होता है कि हम रात में अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे बगैर सो जाते हैं, तो आपका ये अमल होना चाहिए, रात में आपने अपने गुनाहों की माफी मांग के सोना है। अभी तो कयामुल लैल है, तो आप अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगेंगे और सबके लिए माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा जब आप गुनाहों की माफी मांग के सोएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए सुबह उठना कैसे आसान कर देगा। आप देखिए ना, एक शख्स जो दिन भर में कितने कितने पाउंड वजन उठा लेता है, लेकिन रात में बिस्तर पर लेटे हुए एक ब्लैंकेट उठाना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। रात को उठने के लिए एक ब्लैंकेट की क्या हकीकत है, यूं उठा के हटा दिए, और एक एक 10-10 मिलियन के पाउंड उठा के ट्रक्स पे रख रहे होते हैं दिन में आसान, लेकिन एक ब्लैंकेट उठाना मुश्किल हो जाती है अपने जिस्म के ऊपर से। क्या चीज रोकती है? अल्लाह अकबर। इंसान को जो चीज जगाती है उसका ईमान जगाता है, कल कयामत के दिन का एहसास जगाता है कि कल जिसे कहा जाए उसको अपने रब के सामने हाजिर होना है, अपने तमाम अमाल का जवाब देना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को तौबा करके सोएं, कयामुल लैल की नियत करके सोएं। फिर भी आपने सारी कोशिश की, तौबा भी की, अलार्म भी लगाया, सब कुछ किया, जल्दी भी सो, लेकिन अब अगर फिर भी आंख नहीं खोली, कोई मसला नहीं है, मैं खुश रही हूँ आपके लिए, सुभान अल्लाह, आपकी तो दोनों हाथों में लड्डू है, सुभान अल्लाह, कि फिर भी खुशखबरी दी जा रही है अल्लाहू अकबर कि आपने सब कुछ किया, नियत भी की, तौबा भी की, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करके सोई, लेकिन फिर भी आंख नहीं खोली।
सुभान अल्लाह। तो इमाम नसाई से रिवायत है कि जिसमें आता है कि जिसने रात में नियत की तहज्जुद पढ़ने की और वो उठ ना सका और आंख खोली तो फजर हो चुकी थी, तो उसको भी रात के कयाम का सवाब का अजर मिलेगा। हमारा रब कितना मेहरबान है, लेकिन हम फिर भी अपने रब को नहीं पहचानते। कोई चीज अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ी। अल्लाह को पता है कि बंदा इतना कमजोर है कि कभी उसकी आंख नहीं भी खुलेगी, लेकिन आपकी चूंकि रूटीन बनती है, आप यूज टू है, लेकिन इंसान है, बीमार है, तकलीफें आती है। हम सब जवानी में भी बीमार होते हैं, बुढ़ापा ये सच एक बीमारी है, मतलब एक एक तकलीफ है। लेकिन आप देखिए, आप सो रहे हैं लेकिन आपकी नींद आपके लिए सदका है और आपके लिए सुभान अल्लाह कयाम का सवाब का अजर मिल रहा है। बस आपका सोना आपके लिए सदका बन जाएगा, आपकी नींद आपके लिए सदका बन जाएगी। ये उस शख्स के लिए रिवॉर्ड है जिसकी नियत में इखलास हो और जो वाकई सच्चे दिल से कोशिश करेगा। लेकिन अब आप सोचिए, तो अगर आप रात शादी से 3 बजे रात में घर आए, है ना, नियत तो है, खालिस है, बिल्कुल है, उठना है। अब आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि रात 3 बजे आप सोएंगे तो कैसे तहज्जुद में उठे, नहीं उठ सकते, पॉसिबल ही नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो उसके लिए आपको रूटीन को बनाना पड़ता है, जब आपकी आंखें खुलती हैं और जब आप अल्लाह के यहाँ के सजदे और कयाम करते हैं। अब सवाल ये कि मैं और आप कयामुल लैल तो कर रहे हैं और तरावी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना, इंजॉयमेंट, लज्जत, वो नहीं महसूस हो रही है ना। अब कड़े हैं कल ही तरावी में, या अल्लाह जो स्पीड थी मैं बता नहीं सकती। अच्छा, सूरतुल फातिहा तो स्लो पढ़ी, उसके बाद जो आयत शुरू की, मतलब एकदम से झटका लगा कि जैसे कोई ट्रेन जाती है ना यूं। मैंने कहा या अल्लाह, तो शुक्र है कि मतलब जो लोग कुरान पढ़े उन्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको तो लगेगा कि इसी तरह पढ़ना, यही ट्रेन का रास्ता है। शायद यही रास्ता है कुरान पढ़ने का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़ी देर के लिए इतनी तकलीफ भी हुई, लेकिन ऑफ कोर्स अब आप कहाँ जाएंगे, आपको दिल चाहता है कि चलो थोड़ी देर पढ़ लो जितनी भी नसीब हो जाए। अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपके सामने कह रही थी कि क्या है कि इंसान को इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, यानी आप कयामुल लैल तो कर रहे हैं, आप तरावी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि सुकून, मतलब जैसे एक लज्जत नहीं आ रही, जबरदस्ती जा रही, बस एक मारे बांधे जा रही हूँ कि कयामुल लैल करना है। अब क्या करूँ, नींद भी रात में नहीं हुई है, दिन भर की थकन है, रोजा है, मूड खराब है, बच्चों ने इतना परेशान किया, लेकिन जाती हूँ शायद कुछ असर हो, लेकिन फिर भी इंजॉयमेंट नहीं आ रही। तो सुलेमान अद्दारानी कहते हैं, हमारे सलफ में से जो लोग रात के कयाम में, जो वो कहते हैं कि जो लोग रात के कयाम में जो खुशी महसूस करते हैं वो उस खुशी से बहुत ज्यादा है जो लोग दुनिया की चीजों से खुशी महसूस करते हैं। अगर हमें और मुझे और आपको अगर रात के कयाम में खुशी महसूस नहीं हो रही, तो दुनिया की वो तमाम चीजें जिससे लोग खुशी महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। और वो कहते हैं, अगर रात का कयाम नहीं होता तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता कि मुझे मौत दे दे। ये हमारे सलफ थे, ये इंजॉय करते थे, ये कयाम में अल्लाह के कुर्ब को महसूस करते थे कि अल्लाह की जात मुझे देख रही है। आज हमारी सिर्फ एक हाजिरी है ना, वो वाली कह रहे थे, अटेंडेंस आपकी भी लग जाएगी, कोई बात नहीं, कल मत आइएगा, आज तो माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। अरे हम हमारा काम क्या है कि हम अटेंडेंस लगाते हैं कि लग गई है, कयामुल लैल हो गया है, ये हो गया, वो कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता कि मुझे मौत दे दे, जो खुशी, जो लज्जत, जो सुकून, जो अल्लाह के साथ ताल्लुक कयामुल लैल में महसूस होता है। और अगर हम देखें कि अक्सर गुनाह रात के अंधेरे में होते हैं, जो कोई आप देखिए क्लब को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, गंदी मूवी को देख लीजिए, आप देखिए इन सब चीजों से जो लोगों को खुशी मिलती है ना, वो इतनी कि आप समुंदर के अंदर एक उंगली डालें, उस एक उंगली में क्या कुछ पानी आता है, कुछ भी नहीं आता, ये वो खुशी है। और जो आप कयामुल लैल करते हैं, वो पूरे समुंदर में जो पानी है उसकी ये खुशी, इमेजिनेशन मिला। ठीक है, रात में सोशल मीडिया पे बैठ गए, एक दफा सोचिए जरा पानी में डिप करके आके देखिएगा क्या खुशी मिली इतनी देर तक करने में। अल्लाह ताला हमें अभी आसान करे। याद रखिए, रात में कयाम करना और इससे खुशी हासिल करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैं और आप मुसलसल स्ट्रगल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो खुशियाँ आसान कर देता है। स्ट्रगल करना, मुसलसल
जद्दोजहद करनी है। असलाफ कहते हैं कि हमें रात का कयाम बहुत मुश्किल लगता था, हमारा नफ्स हमारा रोता था, लेकिन एक वक्त आया कि नफ्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। नफ्स रोता था, दिल नहीं चाहता था, आज नहीं उठूंगी, बस बहुत हो गया, हिम्मत ही नहीं हो रही। करते 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 क्या हुआ कि नफ्स आगे झुक गया, मत ये हो गया कि नहीं, मैं जैसे उमर रदी अल्लाह अनु क्या कि शैतान कह रहा बस अब यहाँ से तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, बात ही नहीं बन सकती। और वो इस इबादत में भी लज्जत महसूस करने लगे, एक अल्लाह से ताल्लुक को महसूस करने लगे। अगर हम इखलास के साथ कयामुल्लैल की कोशिश करते हैं तो एक वक्त इंशाल्लाह आएगा कि हमारा नफ्स भी अल्लाह के साथ खड़े होने में कयाम में लज्जत महसूस करेगा। और अगर कभी हमारा रात का कयाम छूट जाएगा ना तो ऐसा लगेगा सुबह जैसे आपकी कोई चीज गुम हो गई है। ऐसा लगता है कि अगर आपका कयाम छूटा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज मुझे छूट गई है, मुझसे रूठ गई है, मेरी एक कोई चीज लॉस हो गई है। आपके वक्त से बरकत चली जाएगी। आपकी जैसे कहा आपको ऐसा लगेगा कि दिन भर में आप आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, कोई कुवत ही नहीं है, आप लेजी लेजी अपने आप को महसूस करेंगे। साबित अल-बनानी कहते हैं कि उन्होंने रात के कयाम में 20 साल कोशिश की। तो आपको तसल्ली देने के लिए वाकई बता रही ताकि आप देखिए, असला 20 साल कोशिश की, फिर जाके अगले 20 साल इनको रात के कयाम में लज्जत आए। 20 साल स्ट्रगल की, फिर नेक्स्ट 20 ईयर जाके उनको 20 साल में वो इंजॉयमेंट मिला, वो लज्जत मिली, वो ताकत मिली, वो खुशी मिली कि इंसान का दिल चाहता है कि बस अल्लाह के आगे यबीतून सुजदा सुभान अल्लाह। अब सवाल ये कि इबादुर्रहमान तो बनना चाहते हैं तो रात का कितना हिस्सा कयाम करें, जिंदगी बड़ी मसरूफ है, क्या करें? अब तो उस वक्त का तो दौर ही नहीं रहा। हम तो ये कहते हैं कि उस वक्त के वक्त में बरकत थी, आज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इसका हल भी अभी आपके सामने है अल्लाह के इज़्ज़त से। मसरूफ़ जिंदगी है, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें? याद रखिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है तो ऐसा है जैसे वो पूरी रात रुकू और सुजूद के बराबर है। सुभान अल्लाह, यानी आप इतने बिजी हैं, आपको जिसे कहा जाए आपको पता है कि आपको सुबह की अपॉइंटमेंट है ये है और आप नहीं सुबह उठ सकते, कोई बात नहीं, रात में सोने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए इखलास के साथ अल्लाह की खातिर। और ये आपको क्योंकि कयामुल्लैल के लिए पूरी रात है, इशा के बाद से लेकर सुबह फजर तक वक्त होता है। तो रात सोने से पहले जिनको अल्लाह का मतलब हर इंसान मुख्तलिफ है ना, किसी को नींद ऐसी है नहीं उठ पाता है, ठीक है मसला नहीं है, वो ज्यादा अफजल वक्त है, नहीं उठे मसला नहीं है। रात में सोने से पहले आप जिसे कहते 2 रकात नमाज अल्लाह की खातिर पढ़ते, वो ऐसा है जैसे पूरी रात रुकू और सजूद के बराबर है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो ऐसा है जैसे सारी रात इबादत करता है, कोई मौका नहीं छोड़ा है हमने से, मतलब हमने से कोई पीछे रह नहीं सकता। अपने बच्चों को ये तो बता सकते हैं, रात में उठना मुश्किल है, कोई बात नहीं बेटा सोने से पहले 2 रकात पढ़ लो, ऐसा है कि पूरी रात तुम कयाम करो। सुभान अल्लाह, अब हमारे लिए तो कोई हजत बाकी नहीं रही कि मैं और आप कयामुल्लैल ना करें। इशा के बाद तो किसी के लिए मुश्किल नहीं होता कि 2 रकात नमाज पढ़ सकें, दो रकात नमाज ना पढ़े। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ आई होगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि कयामुल्लैल का जो वक्त है ना वो कौन सा वक्त है, तो इसके बारे में आता है, कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजउन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। रात को वो कम सोते थे और सुबह के वक्त क्या है, सुबह के औकात में माफी मांगते थे। और फिर असाबिरीना व सादिकीना वल कानितीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, जो साबिर हैं, सच्चे हैं, हुक्म बजा लाने वाले हैं, माल खर्च करने वाले, पिछली रात में गुनाह बख्शवाने वाले। मुराद है कि सीरी का वक्त बेस्ट है कयाम के लिए, क्या जिसे कहा जा रहा है कि जो कयाम जब आप करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें सेहरी का वक्त जैसे कहा जाए रात का लास्ट जो आखिरी 2/3 हिस्सा जब गुजर जाता है ये बेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई इशा के बाद भी पढ़ के सो जाता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि पूरी रात के कयाम का सवाब मिलेगा। अब मैं और आप कयाम में क्या कुछ कर सकते हैं, नंबर 1 आप तिलावत कर सकते हैं, ठीक है, आपने जैसे आपने तरावी पढ़ी या घर में तरावी पढ़ी जिक्र कर सकते हैं, नंबर 3 इस्तेफार कर सकते हैं, नंबर 4 दुआएं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह घर पे कर सकते हैं। अगर आप
तरावी के लिए नहीं जाते, आपके पास फोन अपने घर में मौजूद है, आप इंशाल्लाह फोन पे अपने जैसे कहा जाए ऐप को खोल लीजिए, सारी उसमें जैसे कहा जाए डोंट डिस्टर्ब का मोड डाल दीजिए और अपनी तिलावत करते रहिए, कुरान को पकड़ के करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर से जब रात को उठते थे तो आसमान पर गौर व फिक्र करते थे और जमीन पर भी गौर व फिक्र करते थे, तो हमारे लिए भी हम क्या है, हम अल्लाह के साथ जब ताल्लुक रखते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी इन चीजों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। याद रखिए हमें अपने रब के साथ ताल्लुक अगर स्ट्रॉन्ग करना ना तो सबसे पहले सोशल मीडिया को कट डाउन कीजिए, इसके बगैर आप अपने रब के साथ ताल्लुक को महसूस नहीं कर सकते। तो मेरा और आपकी जो पूरी जो बात का खुलासा ये है कि रात का आखिरी पहर और रात में जो जो काम आप कर सकते हैं ये सारे काम है। अब सवाल आखिरी में आप लोग के आ रहा होगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई शख्स सूरह इख़लास पढ़ता है तो क्या वो जो जो रूटीन में आप तिलावत करते हैं क्या वो उसके इक्वल हो जाएगा? नहीं, यानी ये उसके सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा 1/3 के बराबर, जैसे आपने 1/3 आपने जैसे कहा जाए पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ने के बराबर नहीं होगा कि आप 1/3 कुरान जो रिसाइट कर रहे हैं अपने कयाम में या वैसे पढ़ रहे हैं तो उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, हमें और आप देखे कि मेरी और आपकी रातें कैसे बसर होती हैं, थोड़ा सा अपना जायजा लीजिए सोशल मीडिया पर बैठ कर, वीडियो गेम देख कर, लोगों से फजूल गपशप करके, बिला वजह लोगों से चैटिंग करके, बिला वजह फॉरवर्डिंग करके, या रब के हुजूर सजदा और क़याम करके। अब मुझे मेरी बात के बाद कोई ऐसा ना करे कि सिस्टर फातिमा देखेंगी कहाँ कहाँ, मैं तो एक ही ग्रुप में आलम कुरान में, बाकी तो मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, तो ऐसा ना हो कि रात पे आप बैठ के फॉरवर्डिंग पे फॉरवर्डिंग किए जा रहे हैं। नहीं, आपने अपने क़याम को जाया नहीं करना, आप 10 मिनट जागे, आधा घंटा ले तरावी में, सोए आराम करें, आपको कितना बैलेंस इस मैं आपको बता दिया क्योंकि रात का जागना कितना अहम है। कुछ दुआएं हैं जो कि मददगार हैं, इंशाल्लाह ये सामने आके हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कय्यूमुस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन, ये पूरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो इससे इब्तिदा करते थे। ठीक है, टाइम चूंकि हो गया तो मैं आपके सामने बस शुरू शुरू का इंशाल्लाह हिस्सा पढ़ती हूँ और आपके सामने दुआएं मौजूद है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कय्यूमुस समावाति वल अर्दि वमन फीहिन, वलकल हम्दु लकल मुल्कु समावाति वल अर्दि वमन फीहिन वमन फीहिन, वलकल हम्द अंतल الحق وبعدك الحق, इसी तरह आता है अलग अलग वर्जन के साथ। इसी तरह देखिए, اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب واشرح هذا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في بريء اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إسي ترى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي بيدي، اللهم اجعل اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل قربك أقوى الأشياء إلي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ٹرانسلیشن کا تو ٹائم نہیں ہے، پھر اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأقلال، فإن إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. إن شاء الله یہ دعائیں ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کوئی بھی قیام کی حجت باقی نہیں رہی، سب تمام ہو گئے ہیں. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور آپ سب کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ کی شیئرنگ کا ٹائم ہے، کوئکلی لیجیے گا، کس نے کیا سیکھا ہم صرف 3 منٹ میں لوں گے، اگر آپ والنٹیئر خود سے کرنا چاہیں گے پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. جی، آپ میں سے کتنے لوگ کون شیئر کرنا چاہتا ہے، کیا سیکھا، کوئی بات جو دماغ میں بہت اسٹک کر گئی کسی کو؟ جی سسٹر شہناز پلیز. سبحان اللہ، سب کل ہو اللہ، سبحان اللہ، مقنطرین کے اندر آ سکتے ہیں، امید ہے کہ 1/3 پڑھ لیں گے تو اللہ سے امید ہے. سسٹر منیرہ
طول السفرية سبحان الله، ظهوري ناقص قيام شاي ده سوري ما في جاي سبحان الله. بس سبحان الله कितना अच्छा है कि जो आपको हिप्स है इंशाल्लाह अल्लाह आप उसको पढ़ते जाएं और इंशाल्लाह हम कंतरीन की कैटेगरी टारगेट बनाएं जैसे सिस्टर फरीदा मुकंतरीन किनतार से है ना, और किनतार दिरहम के लिए उस वक्त इस्तेमाल होता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उलमा की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते हैं, कुछ कहते हैं इतने दिनार किनतार से लेते हैं ना, जो आपने सूरह बकरा की आयात में पढ़ा ना किनतारिन वो इतना उसके बराबर है, अगर आप इंशाल्लाह तीसरे पारे के ना शुरू में पढ़ेंगे ना तो बहुत से उलमा यानी माल के उसमें लेते हैं किनतार में, और कुछ लोग माल में नहीं लेते रिवॉर्ड के मीनिंग में लेते हैं, इससे मुराद रिवॉर्ड है अजर और सवाब है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक किनतार दुनिया व मा फीहा से बेहतर है सुभान अल्लाह। तो रिवॉर्ड के मीनिंग में इतना अजर और सवाब है कि वी कैन नॉट इमेजिनेशन काउंट काउंटलेस एग्जांपल सुभान अल्लाह जी सिस्टर इंशाल्लाह। सारे ऑप्शन आप अपनी अपनी देख लीजिए क्या सीखते हैं, आपकी मर्जी है आप बिल्कुल आप कुल हुवल्लाहु अहद के साथ सो जाएं पढ़ के, या आप जिसे आपको जो जबानी याद है जैसे सिस्टर ने कहा वो पढ़ लें, या लास्ट के जूस पढ़ लें, जो भी है सब आप पर है, ये सारे नवाफिल है, लेकिन ये सालिहीन का तरीका है, यही आपको जन्नत मिले जाने का तरीका है। जी जी सिस्टर फहमीदा अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बिल्कुल सब 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 कयाम कयाम का मतलब खड़े होना रात को ना। हाँ जी टाइम टाइम थोड़ा टाइट होता जी, ये तो आपकी दिल की खुशी है ना वाफिल है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि अल्लाह के नबी मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम जन्नत में मेरा साथ चाहते हो तो फिर सजदों की कसरत कर दो, तो आपकी मर्जी है दो बड़े आपकी मसरूफियत है ना, मेरे पास छोटे बच्चे मुझे पता है कि मैं दो भी बड़ी मुश्किल से हो सकता है पढ़ सकूँ, एक मिसाल दे रही यानी कि मैं ऐसा कर रही हूँ, हो सकता है कोई फारिग है थोड़ा, अब आपकी मर्जी दो पढ़े लेकिन जामे पढ़े, वो सूरह निसा वो सूरतुल बकरा वो सूरह आले इमरान, इतना ही रुकू कि एक बंदा 50 आयतें पढ़ ले, इतना लंबा आपका रुकू होता था, तो वो असल क्वालिटी है, लेने की कितनी दिक्कत है, हो सकता है मैं दो ही पढ़ू लेकिन मेरी क्वालिटी आपकी क्वालिटी क्या हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टर प्लीज नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, 10 दफा पढ़े, अभी आप देखें ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तहज्जुद की नमाज में कयाम लैल में सूरह माईदा की आखिरी आयत पढ़ पढ़ के इन तो अजबम फइन्ना का इबादी, अगर तू अजाब दे तो ये तेरे बंदे और अगर तू माफ कर दे तो तू गफूर रहीम, आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे रात भर अपनी उम्मत के लिए, तो कोई मसला नहीं एक ही आप एक ही आयत को लेकर पढ़ते इन्ना माशकु बस्ती व हुस्नी इलल्लाह, इतनी कि वो कैफियत तारी हो जाए वो हम सारे याद आ जाए, समझ आ रही है बात में, कोई फर्क नहीं पड़ता असल कनेक्शन रखने का ज्यादा डिपेंड करता, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान अपने अपने आसानी के साथ जैसे मामला किसी से पीछे से जी जी ख्याल आता आता है कोशिश सुभान अल्लाह इंसान सब बहुत अक्सर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि कौन सी नहीं करते अल्लाह सब जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब वही होता है कि बासों का बास, जैसे अभी मैं कल करावी पढ़ रही थी तो शुरू में जिन्हें पढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। तो ऐसे ऐसा लगा कि जैसे सारा मतलब ऐसे लगा मदीने में पहुंच गए और सब कुछ हो रहा, लेकिन सेकंड वाली स्पीड इतनी गई कि वो सारा जो था वो वापस खत्म पे नहीं। वो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दी थी ना, वो छिपकली वो स्विच हो गया बिल्कुल, माइंड जो खौफ में अच्छा सा फीलिंग आ रही थी वो वापस सोच हो गई कि कौन सी खैरात है। मुरादे के एकदम से लगा ये क्या हुआ, तो वो फिर आप एकदम से आपको माइंड ही चेंज हो गया। हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम सेकंडों में स्विच करते हैं ऐसे करके ना। तो जी, यही तो मसला है। जी, बस यही बात है। तो उम्मीद जी कोई और करना चाह रहा है? चल जी सिस्टर सैदा प्लीज इंशाल्लाह। बैलेंस अच्छे करने जी। बिल्कुल बैलेंस जी बिल्कुल। और कोई इंसान पीछे नहीं है खैर से, दीन की ना कोई भी खैर से हम कोई पीछे नहीं रह सकता। किसी को कुछ भी नहीं याद है ना, आज है देखे पढ़े, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा जा रहा है आपको मिलेगा इल्ला कलीला कि आप उठे और पढ़िए नमाज के लिए, तो आपके पास तो अभी कुरान भी इतना ही था, तो जो था वो देख के पढ़ रहे थे उस वक्त आप जो भी थे। तो कहने का मकसद है कोई भी इस खैर से महरूम नहीं। दीन इतना 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 कुशादा है, इतना वास्त है कि हर बंदा जन्नत में जा सकता है, बस अल्लाह के साथ ताल्लुक स्ट्रॉन्ग हो जाए। सुभान अल्लाह, बैलेंस रखना जरूरी है जी। अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह बस कल ही आजकल फिर आएगा। बहुत अहम आयात है, रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, जो लाइव सुनने का मजा आता है ना, जो फीलिंग्स आती है, मैंने जो आपको प्लीज अगर बीच में कहा तो मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं कहा, बस एकदम से क्लिक करती है कोई बातें को आती है चीजें तो मैं बोल देती हूँ। लेकिन देखिए हम अल्लाह की खातिर आएंगे ना तो घर जनाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे पता आप सबकी मजबूरियां हैं, तो आप ये नहीं सोचिए, आप एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज आपकी वेंसडे थर्सडे, लेकिन ये दिन आपके लिए मस्त है, लेकिन अगर आप और दिन भी आते हैं तो ऑफकोर्स हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। मैं ये सोची थी एक आयत को समझाने में अभी भी हक नहीं अदा, हक तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कहां ये कि आप सोचिए हम एक दिन में पूरा पारा करते हैं। सुभान अल्लाह, तो कम से कम आज इसको कयामुल लैल को जब आप इंशाल्लाह तरावी कर पर में होंगे तो आप थोड़ी देर या घर में कर रहे होंगे या दो रिकत पढ़ होंगे, एक दफा जरूर अल्लाह के कुल को और किसी भी एक आयत को आप बार बार रिपीट करके पढ़िएगा, ठीक है? कोई भी एक आयत जो आपको जबानी याद, और थोड़ा सा इमेजिनेशन मिला के अल्लाह मुझे वो लज्जत दे दे जो एक एक जो असलाफ कहते हैं, मैंने 20 साल कोशिश की है और फिर 20 साल के बाद मुझे कयामुल लैल में लज्जत आई। जी सिस्टर फरीदा टाइम हो गया जी, आप बोल दीजिए, मौका दे रही हूँ तो एग्जैक्टली सुभान अल्लाह पकड़ने वाले बन जाए, इखलास आ जाए, गुनाह होते हैं ना बस सुखा ये पकड़ने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें शौरी मुसलमान बना ले। जज़ाकअल्लाह खैर बारकअल्लाह फिक, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. आप लोग अपने अपने लिए दुआ कर लीजिए। जजाक अल्लाह खैर बारक अल्लाह फी, अपनी जगहों पर बैठी रहेगा सिस्टर सीमा आपको देंगे जो सिस्टर ने अपनी तरफ से दिया है, प्लीज आप उनके लिए भी दुआ कीजिए और खजूर इफ्तार इन्हीं के खजूर से खोले इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के लिए आसान कर दे। जजाक अल्लाह खैर बारक अल्लाह फी, उसके बाद स्टूडेंट्स का ग्रुप इंशाल्लाह।
चलिए जजाक अल्लाह खैर। किसी ना जो भी दुआएं मांगी अल्लाह ताला आपको उससे ज्यादा अता कर दे। और मैं तो दुआएं मांगना भूल गई, मैं रिकॉर्डिंग तो मेरे लिए भी दुआएं सभी हम सब कर लेते हैं इंशाल्लाह जो दुआएं मांगी। जजाक अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज आप